Sad Badmo, Nitalila, Pravishna Vishnu Pada, Shodhara Sadasri, Sri Srimad Bhaktivedanta Srila, Narayana Goswami Maharaj, Vicharma Sarajami, Sradha Puspandali Arpanagarta, Upastit Vaisnava Vaisnavi, Mata Pitai Bhai Vahid, Sabhutami Jathajukka Pranam Karta, Hare Krishna, Katakalya Hamlok Sravan Karate, Sri Radharani Kaise, जन्म भई है अभी जब कृष्णा गोकुल में जन्म हुए इतने में श्री वसुदेव महाराज जब गोकुल में बेटे को लेकर के जो बेटी को लेकर के आए अभी बेटी रोना प्रारंभ कर दी किसने जा करके कंस को बोले कंस तेरे काल जन्म हो गया है कंस तो भागते भागते आया देखा वहां पर बेटा नहीं वो बेटी हुई इतने में देवों की बोली देख कंस अगर बेटा होता तो तेरे को मारता लेकिन बेटा तो नहीं बेटी बेटी थोड़ी मारेगी इसलिए तुम मेरी बेटी को छोड़ दे कंस कहाँ छोड़ने वाले बोले बेटा हो नहीं तो बेटी हो मैं छोड़ने वाला नहीं इतने में कंस प्यार पकड़ करके जब उसको पछाड़ने के लिए गया इतने में उसने प्यार में तो कंसो को एक ठोकर मारी और जैसे बिजली लगे जैसे गिर जाए ना इतने में कंस वहीं पर धड़ाम करके गिर गया और वो ऊपर में जाकर के अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली बोले रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है कंस ने देखा ये तो मेरी कुलदेवी ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं इतने में सारे अघासुर बकासुर पुतना सबको बुलाए बोले क्या करनी चाहिए पुतना बोले चिंता क्यों करते मेरा नाम पुतना है ना पुतना मतलब क्या है पुतना पुत मतलब होता है पुत्र ना मतलब होता है नहीं बच्चों यहाँ बैठे चुपचाप बैठना मुंह में हाथ लगा कर बैठ लो बच्चों मुंह से हाथ नहीं निकालना नहीं तो पीछे भेज दूंगा इसलिए उसका नाम ही पुतना पुतना मतलब पुतना जिसकी पुत्र है ही नहीं बोले मेरा नाम ही पुतना है ये पुत का क्या काम है अगर कहीं जन्म कोई होगा तेरे शत्रु एक महीना के अंदर में तो होगा बोले हाँ बोले सब कर मैं खत्म कर डालूंगी पुतना जा करके घर घर में सब बच्चों को खून पी रही थी और ऐसे करते करते पुतना आ गई कहाँ आ गई गोकुल में जब गोकुल में आई तब यहाँ प्रश्न करते हैं भैया ये जो पुतना जो पाप अविद्या ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है बोले जिस घर में ठाकुर का भजन नहीं हो जिस घर में ठाकुर का कीर्तन नहीं हो ना उसी घर में ये पाप प्रवेश करती है अगर अपना घर में हम थोड़ी समय कीर्तन करना देखना उसी घर में कभी पाप घुसेगी नहीं क्योंकि जो भगवान का नाम है ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर का कीर्तन है थोड़ी सी हरि कीर्तन रोज करनी चाहिए रोज हरि कीर्तन करोगे घर में कहीं पाप तुम्हारी घर में प्रवेश नहीं करेगी फिर पुतना कैसे आ गई बोले ठाकुर को इच्छा है क्योंकि अगर पुतना नहीं होती फिर हम कथा किसके सुन रहे रावण नहीं होता रामलीला होता कंस नहीं होता कृष्ण लीला होता एक तरह से वो ठाकुर जी को मदद कर रही है लीला में जब पुतना आ गई बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लिया तो स्वयं माँ लक्ष्मी वैकुंठ से उतर करके प्रभु को स्वागत करने के लिए आई और वो सीधा चली गई कहाँ नंद भवन में मैया जसोदा रोहिणी कन्हैया को पलने में झूला रही थी और वो बोली इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झूलाते उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए इतने में कृष्ण को उठा ली जब उठा ली इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए बोले क्यों बोले उसको पीछे पांच कारण बताया कितना कारण बताया बच्चे सब याद करना मैं कल पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा ध्यान देकर सुनो कृष्ण क्यों आंख बंद किए पहला कारण है बोले तू ऊपर तो मां रूप लेकर के आई लेकिन अंदर में राक्षसी कपटी हो जो कपटी व्यक्ति का मुंह देखना मैं नहीं चाहता हूँ ये पहला कारण दूसरा कारण बोले ब्रज में बच्चों को मारने के लिए आई जितने बच्चे मेरे सखा सखी हैं मेरे सखा सखी को मारने के लिए आई तेरे में मुंह देखना नहीं चाहता हूँ इसलिए ठाकुर जी क्या किया
आंख बंद कर दिए। कितना कारण हुआ? दूसरा कारण। तीसरा कारण बताए, बोले ऊपर में तो माँ के रूप लेकर के आई, प्यार कर रही है। बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलानी चाहिए, उसको तो गोद में प्यार करनी चाहिए। बोले जो कुछ हो है तो माँ रूप लेकर के आई, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, इसलिए बोले अभी तो मैं इसको मारने वाला हूँ, अभी छटपटाएगी, फिर इसका दुख मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए ठाकुर ने किया क्या, आंख बंद कर दिया। कितना कारण हुआ? तीन कारण हुआ। चौथा कारण बताए, देखना बच्चों का स्वभाव है, अगर अपना परिवार का कोई व्यक्ति हो ना, उसको सामने बच्चा खेलता कूदता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए डर जाती है। देखना बच्चा अनजान व्यक्ति गोद में जाना नहीं चाहती है, किसको गोद में, अपना माँ हो बहनी हो, जिसको बच्चा जानता है ना, देखना उसको गोद में तो बच्चा चला जाता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति हो ना बच्चा जाना नहीं चाहता है। इसलिए बोली तारीख कहाँ से आ गया, इसको कभी मैंने देखो ही ना, इसलिए ठाकुर ने क्या किया, आंख बंद कर दिया। इसकी चौथा कारण बताए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये पुतना ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, जतन करने पर भी अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आती है, लेकिन उसने इसे कौन सा पुण्य की जो मेरे को गोद में ले रही है। इसलिए मानो ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे, ये कौन है। बोले सचमुच से ये कोई साधारण नहीं, कहते जिस समय भगवान वामन देव बलि महाराज जी को घर में गए, ठाकुर जी बड़े सुंदर थे, बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नवाला, अभी छोटे बच्चे को देख करके उसकी मन में इच्छा हुई, अगर ये मेरा बेटा बन करके आता है ना, दिन भर गोद में लेकर मैं प्यार करती। लेकिन भगवान दो पग में सब कुछ ले लिए, तीन पग रखने के लिए कोई जगह ही नहीं, बोले उन्होंने गरुड़ों को बुला करके उनको बांध दिए। अभी रत्नवाला सोच रही है, बोले ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ तो ले लिया और मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे लाला बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं 20 पिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, 20 जहर में पिलाऊंगी। इसलिए भगवान आंख बंद करके बोले हाँ वही रत्नवाला भी ये पुतना बन करके आई, अभी इसको उद्धार करना पड़ेगा। कितना कारण हो गया? पांच कारण हो गया। छठवां कारण बताए, अभी पुतना कृष्ण को गोद में दूध पिलाने के लिए ली, लेकिन इस स्तन में तो दूध है ही नहीं, उसके स्तन में तो जहर है, विष है, वो तो ठाकुर को विष पिला करके मारना चाहती है, लेकिन भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, अगर ठाकुर जी विष पान कर लिया तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, सारा दुनिया घबरा गए, ठाकुर जी इसकी स्तन पान मत करो, उसमें विष जहर ही है, अगर आप जहर पियोगे ना हम सबके सब मर जाएंगे। ठाकुर जी आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले आपका काम है विष पीना और मेरा काम है दूध पीना, आप तो विष को आप पी लो और मैं दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। इतने में ठाकुर जी आंख बंद किए, जब भगवान को उन्होंने स्तन पान कराए, भगवान स्तन क्या पान करेंगे, ठाकुर जी उसको प्राण को उन्होंने श्वसन की, जब प्राण श्वसन कर रहे थे पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की, बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता ही नहीं, अगर एक बार किसको पकड़ लेता हूँ ना फिर छोड़ता नहीं, मतलब क्या है, अगर एक बार ठाकुर जी को पास में आ जा, सच दिल से बोले ठाकुर मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, अगर हृदय से एक बार बोल दोगे ना ठाकुर कभी तुम्हें छोड़ेंगे, जब तक तुम्हें अपना धाम में नहीं पहुंचा देंगे तब तक ठाकुर तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, क्यों, ठाकुर जी बड़े दयालु है, ठाकुर जी बड़े कृपालु है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, कोई जयकार आज का व्रत रखे हो तुम, जयकार मोसना कोई आवाज नहीं निकल, जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाला की जय हो। भैया ऐसे लगनी चाहिए कथा हो रही है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कभी उन्होंने छोड़े ही नहीं, जब उन्होंने नहीं छोड़े, अभी पुतना सोच रही है मैं बच्चे को ले जाऊं घर में,
यहाँ रोएगी तुम भी कथा नहीं सुनो दूसरे सुनने नहीं लो। हाँ जब जब गिरिराज पूजा हो ना तब ये बच्चे को ले आना, ठीक है, गिरिराज पूजा में ले आना। हरे कृष्ण। इसलिए अभी वो सोच रही है मैं लेकर के मथुरा चले जाऊं, भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। इतने में पुतना अपना असली रूप में आ गई, बड़ा भयंकर रूप था, बोले कितने बड़ी, बोले 8 मील। कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सबसे सुंदर बगीचा जिसमें फल फूल से भरा पड़ा हुआ। लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ का कोई भी फल फूल कृष्ण और कृष्ण भक्तों को नहीं मिलनी चाहिए। कृष्ण बोले दुनिया को बनाया मैंने, दुनिया मेरा, और मेरे सेवा में नहीं लगेगा और मेरे भक्तों की सेवा में नहीं लगेगा। इतने में उन्होंने पुतना को उड़ा करके ले गया, बोले कहाँ, उस बगीचा में, और पुतना को वहीं पर गिराया और जितने पेड़ पौधा था ना सब खत्म कर दिया। देखो मन लगा कर समझ धर, भगवान शिक्षा देते हैं ये दुनिया ठाकुर ने बनाया, इसका दुनिया है ठाकुर का दुनिया है। अगर ठाकुर जी के भोग में नहीं लगाओगे ना, अगर खुद खुद बना कर खुद खा लोगे, भैया घर में पुतना आ जाएगी और ऐसे पुतना गिरेगी पूरा तुम्हारी सत्यानाश कर देगी। घर में लड़ाई झगड़ा अशांति रोग बीमारी कोर्ट मामला मुकदमा लगा देगी। क्यों? चूंकि तुम ठाकुर को भोग नहीं लगा कर खा रहे, समझ रहे हो, इसलिए प्याज लहसुन छोड़ो, छोड़ करके क्या करो, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगाओ, खाओ ना, देखना घर में शांति सुख बनी रहेगी। ठीक है, पूरी कथा से इतनी बात लो, प्याज लहसुन छोड़नी चाहिए। अगर इतनी सी कथा से ले गई ना, बस समझो तुम्हारी कथा सुनना सार्थक कथा हो गया, कथा सुनना तुम्हारी सार्थक कथा हो गया, नहीं तो इधर सुने और उधर निकाल कर चले गए। अभी पुतना को बोले भैया इतने बड़े शरीर को क्या कर, बोले आग लगा दो। जब आग लगाया, देखो एक व्यक्ति को जब जलाओ ना शरीर से दुर्गंध निकलती है, बदबू निकलती है ना, लेकिन जब उसकी शरीर को जलाया बदबू नहीं, कर्पूर अगुर चंदन की खुशबू आ रही थी। बोले क्यों, बोले ठाकुर ने उसकी स्तन को पान किया, ठाकुर उसकी स्तन को पान किया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया प्रियसाध्ये। यहाँ पर कह रहे हैं देखो कृष्ण भक्ति क्यों करेंगे, बोले पुतना को अंदर में सारे दुर्गुण हैं। पहला नंबर अपवित्र पापी, कृष्ण के लिए जहर लेकर गई थी, राक्षसी बच्चों को खून पीती थी, लेकिन हमारे कन्हैया इतने दयालु, कृष्ण इतने दयालु, बोले गुण अवगुण प्रभु देखो ना। ठाकुर जी किसी बुरे बुरे को ऊपर नजर देते नहीं, उसकी जो अच्छी गुण को ठाकुर जी चुन लेते हैं। वो जो माँ के रूप धारण करते हुए आई थी, इतने में ही प्रभु खुश होकर के उसको गोलोक वृंदावन दे दिया। अगर कोई भक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा पर ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए कहते अगर भक्ति करना ना, किसको भक्ति करो, ये जो लड्डू गोपाल है ना तुम्हारी पास में गर्म गर्म जो लड्डू गोपाल, इसके ही पूजा करो, ये बड़े दयालु हैं। तुम्हारी कोई दुर्गुण को देखेगी नहीं, तुम्हारे अंदर में जो अच्छे गुण देखेगी। हाँ देखो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भैया अगर कृष्ण पुतना इतने बड़े पापी को अगर गोलोक वृंदावन भेज दिया, फिर उनको माँ को फिर गोपियों को क्या देगा, क्या सब एक बराबर देगा। बोले नहीं, ठाकुर जी सबको बराबर नहीं देते, जो जैसे भक्ति करेगा ठाकुर वैसे देते हैं। एक सुंदर स्टोरी सुना, ध्यान देकर सुना। बोले एक समय एक गुरु और एक चेले घूमते घूमते के राज्य में पहुंचे। वो राज्य में जो कुछ आप खरीदी करो 1 रुपया, 1 किलो अगर सोना खरीदी करोगे ना कितना कीमत है 1 रुपया, अगर 1 किलो घी खरीदी करोगे उसका कीमत कितना, बोले 1 रुपया, अगर 1 किलो साग भाजी अगर खरीदी करोगे उसका किलो भी 1 रुपया। अभी जो चला गया था खुश हो गया, बोले भैया ये तो बढ़िया राज्य है, जो कुछ खरीदी करो सब एक 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 ही रुपया है। फिर यहाँ पर कुछ दिन रुक करके थोड़ी सी खा पी करके, फिर तो साग भाजी क्यों खाए, रोज रोज घी पियो, रसमलाई राबड़ी मालपुआ खाओ और शरीर को थोड़ी सी तंदुरुस्ती बना दो। बोले गुरु जी बहुत बढ़िया जगह, यहीं पर मैं रहना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा देख बेटा, इधर देखो सबके सब, गुरु जी ने कहा देख बेटा लगता है यहाँ का जो राजा है ना थोड़ा पागल होगा, क्योंकि
टाका सरी भाजा और टाका सर खाजा है, इसलिए चौपट नगर चौपट राजा। लगता है यहाँ का राजा का दिमाग ना थोड़ा खराब है। जिस देश में हर चीज एक एक रुपया हो, वो राज्य को भी सोना किलो एक रुपया, घी एक किलो, साग भाजी एक किलो, लगता है ये राजा थोड़ा पागल है, देख चला यहाँ नहीं रहनी चाहिए, चलो यहाँ से भाग जाता है। बोले गुरुजी इतने बढ़िया जगह, जो कुछ खरीदी करो एक रुपया, बढ़िया बढ़िया खा पी कर थोड़ा शरीर को चुस्ती बना लो। बोले बेटा मैं तो जा रहा हूँ। बोले गुरुजी आप चले जाओ, कोई चिंता नहीं, मैं यहाँ पर रह करके थोड़ी बढ़िया बढ़िया खा पी करके ना शरीर को बढ़िया बना करके मैं आता हूँ। बोले देख बेटा, अगर कहीं तुम्हारी गड़बड़ी हुई ना बीच में, जरूर मेरे को याद करा लेना। बोले गुरुदेव कोई चिंता मत करो, अब निश्चित होकर के अब जाओ। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी के घर में चोरी हुई। जब चोर चोरी करके जा रहा था, वो बूढ़ी माता जी पीछे से देख लिया। क्या देखा, वो जो आदमी था ना थोड़ा लंबा चौड़ा और मोटे मोटे था, हैं केवल इतना पीछे से देखा। सवेरे आकर के राजा से बोले महाराज मेरे घर से कल से चोरी हो गई। बोले तुमने देखा हो? बोले पीछे से देखा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा और मोटा था। राजा तो थोड़ा पागल ही था, उनने सिपाही को भेजा, बोले देखो तो मेरे राज्य में सबसे मोटा और लंबा चौड़ा कौन। लेकिन ये चला तो रोज रोज घी पी पी करके, राबड़ी रसमलाई खा करके, वो तो शरीर को चंदुरुस्ती बना करके लंबे चौड़े था। अभी पूरा राज्य में ढूंढ करके यही मिला सबसे मोटा लंबा चौड़ा। बोले चलो, राजा बुला रहे हैं। बोले क्यों? बोले कल एक बुढ़िया जी के घर में चोरी हुई, वो माता जी ने पीछे से देखा लंबे चौड़े मोटे, और राज्य में तो सबसे लंबे चौड़े मोटे। चलो वो तो बड़ी डर गया। बोले लंबे चौड़े पीछे से देखा मतलब मैं ही हूँ। बोले तू ही राज्य में सबसे बड़े लंबे चौड़े, चल। अभी राजा ने बोले देखो इसको फांसी में झुला, ये चोरी किया। बोले महाराज मैंने चोरी की नहीं। बोले नहीं, माता जी ने देखा पीछे से, वो लंबे चौड़े मोटा राज्य में सबसे लंबे चौड़े मोटा तू हो। बोले गुरु जी तो सही बता रहे थे, राजा थोड़ा पागल है। लेकिन गुरु जी ने कहा था अगर विपत्ति आए तो मेरे को याद करना। अब देखना, जिसको फांसी पर झुलाते हैं उसको अंतिम एक प्रश्न करते हैं, बताओ तुम्हारी मन में कोई इच्छा है कि नहीं। उसको पूछे बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले थोड़ी सी अपना गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। बोले कहाँ रहते हैं? बोले अमुक स्थान पर। गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने कहा क्या बेटा? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, राजा तो पागल है, कहीं चोरी हुई पीछे से देखा मोटा लंबा, और मैं तो घी पी पी करके रसमलाई खा खा करके शरीर को इतने लंबा चौड़ा बनाया कि मेरे को ही पकड़ करके ले आए। बोले फांसी देख के। गुरु जी ने कहा देख बेटा, हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी में झुलाओ, और तुम बोलोगे मेरे को फांसी में झुलाओ, फिर मैं सब कुछ कर लूंगा, कोई चिंता मत करो। अभी दोनों लड़े, गुरु जी बोले मैं फांसी पर झुलना चाहता हूँ, और चेला बोले मैं। राजा बोले भैया ये दोनों मरने के लिए लड़े क्यों रहे? राजा ने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी इधर आओ। बोले तुम लोग मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? बोले महाराज मैं आते समय ना मैंने पंचांग देख करके आया, आज का जो दिन है ना 100 साल को बाद में ये अमृत योग है, अगर आज कोई मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, मैंने अभी अभी देख करके आया, इसलिए अगर मैं मर जाऊंगा मैं बैकुंठ जाऊंगा। राजा ने देखा भैया 100 साल को बाद में अमृत योग आया, जो मरेगा सीधा बैकुंठ, अभी तो मेरी मैया बुढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में ये मरने वाली, फिर अपना मैया को क्यों फांसी में नहीं झुला दे? राजा ने कहा दोनों भागो यहाँ से, तुमको कोई जरूरत नहीं फांसी में झूलने का, मेरी मैया बूढ़ी हो गई, इनको ही फांसी में झूला देता हूँ, सीधा बैकुंठ चली जाएगी। गुरु ने चेला को बोले भैया भागो जल्दी यहाँ से, बांस गुरु चला भाग गए, और राजा ने क्या किया अपना माता को ही फांसी में झुला दिया। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जो कृष्ण कहता अगर पुतना को जो पद दे दिया, अगर जो भक्ति करने वाले जैसे माताएं उनकी सखाएं उनकी सखियों को फिर क्या देंगे, अगर सबको अगर बराबर अगर कर दिया तो फिर भक्त और दुष्ट में फर्क क्या रह जाएगा? तब कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं,
ભલે જે જથા માં પ્રપદંતે તામ તથૈવ ભજામિ અહમ હે અર્જુન મેરે કો જો જિતના ભજન કરતા હૈ ઉસકે અનુરૂપ મેં ઉતના હી ફલ દેતા હું ભગવાન બરાબર ફલ નહીં દેતે હૈ બોલે શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય હા દેખો કૃષ્ણ સર્વપ્રથમ કિસ કિસ કો મારે બોલો કૃષ્ણ સબસે પહેલે કિસ કો મારે થે બોલો માતાએ કોઈ કથા નહીં સુન ગયો કોણ કૈસે સાડી પહેન કરકે આ રહે ના સબ વહી દેખ રહે બતાઓ તો ભગવાન કૃષ્ણ જબ રાક્ષસો કો મારે સબસે પહેલે કિસ કો મારે કિસકો મારે હા અભી અભી કથા સુને ઓર ભૂલ ગયો પૂતના કો મારે સબસે પહેલે આર બતા સકતે હો ભગવાન રામ જો મારે સબસે પહેલે કિસકો મારે કોણ બોલે હાથ ઉઠાય કિસકો હા એ મૈયા સહી મૈયા હૈ એટલે રામ ને પહેલે તારકા કો મારે અર ભગવાન કૃષ્ણ સબસે પહેલે પૂતના મારે ઠીક હે ના બોલે દોનો પ્રભુ વો એક હી શિક્ષા દેતે હૈ બોલે ક્યા શિક્ષા દેતે હૈ બોલે અગર મુજે કોઈ હૃદય મેં બેઠના ચાહતે હો સબસે પહેલે કિસકો મારો પૂતના કો મારો પૂતના મતલબ ક્યા હૈ બોલે પૂત મતલબ હોતા હૈ પવિત્ર અર ના મતલબ હોતા હૈ નહીં જો પવિત્ર નહીં અપવિત્ર પાપ હૈ અર યે તારકા કોણ હૈ इसका नाम है तारका तारका मतलब तारयती तारका जीव को जो भगाता है बोले जीव को कौन भगाता है संसार में यही काम क्रोध लोभ मोह यही भगाता है देखो पूतना ये भी तीन अक्षर है तारका ये भी तीन अक्षर है पूतना स्त्री तारका भी स्त्री इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं अगर मुझे कोई अपना दिल में बैठना चाहते हो सबसे पहले किसको मारो सबसे पहले ये पुतना तारका को मारोगे फिर तो तुम्हारी दिल में मैं बैठ सकता हूँ ठीक है ना अभी नंद बाबा गए थे कर देने के लिए जब कर दे करके मथुरा से आए उन्होंने देखा ये पुतना मरी पड़ी हुई भयंकर थी लेकिन ये पहले बड़ी सुंदर बन करके आई इतने में नंद बाबा बोले देखो घर में एरे गेरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना कड़ी पहरादार लगा दिए कोई आए तो घुसने सबसे पहले मैं नहीं तो जसोदा की आदेश उसको बाद में कोई अंदर में प्रवेश कर सकता है इतने में श्री भोले बाबा आ गए कौन आ गए श्री भोले बाबा आ गए बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए बोले क्यों बोले प्रभु के सारे लीला तो मैंने देखा लेकिन उनकी बाल गोपाल स्वरूप को नहीं देखा अगर कृष्ण को भूख लगे ना रोते हैं अरे मैया उनको दूध पिलाती हैं जिन भगवान की नाम लेने पर जीव भव सागर से पार हो जाते हैं अभी मैया जसोदा उनकी अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है ये प्रभु का लीला मैंने नहीं देखा शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए लेकिन शंकर जी को क्या कहते हैं सत्यम शिवम बोलो सत्यम शिवम सुंदरम शंकर जी को तो सुंदर बताया लेकिन इस शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस है ना वो लगता है जैसे बड़े अपवित्र है लेकिन ऐसे नहीं आप लोग बताओ तो शंकर जी अपना शरीर में क्या लगाते हैं स्नो पाउडर कोई क्रीम लगाते हैं क्या लगाते हैं बभूति बोले कहाँ के बोले शमशान के कोई अच्छे जगह के नहीं बोले क्यों क्या उनको चंदन मिला नहीं यही बहुति मिले जो और शमशान की बहुत मिले इसलिए शंकर जी जगत गुरु है इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं देखो जिस शरीर को तुम इतने सजाते हो ना जानते हो ये शरीर का परिणाम क्या मरने का बाद दो मुट्ठी राख बनी इसलिए गले में हड्डी की माला मरने का बाद दो टुकड़े हड्डी बन जाएगी इसलिए भैया शरीर को इतना प्रेम मत करो जितना जरूरत खिलाओ पिलाओ लेकिन ज्यादा केवल शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले चलो और शीशा को सामने खड़े होकर दिन भर सजाओ नहीं अगर सजाना है ना अपना आत्मा को सजाओ आत्मा को सजाओ आत्मा सजेगी कैसे बोले भगवान के नाम से ठाकुर जी की नाम से एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण कोई बोल नहीं रहे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
ફરી ફાર બોલ જોર કરી બોલે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે હા દેખો અગર સજાના હૈ ના તુમ્હારી ઘર મે જો ગોપાલ બેઠે હૈ ના ઇનકો સજાઓ કિસકો સજાઓ ઠાકોર જી કો સજાઓ દેખો મેરી તરફ મે દેખો જૈસે આપ અપના શરીર કો બઢિયા સે સજાઓ સુંદર કરકે સજાઓ ઓર શિષ્ય કો સામને ખડે હો જાઓ દેખના શરીર કો જૈસે સજાઓગે ના શિષ્ય મે જો પરછાઈ પડેગી વો ઠીક વૈસે સજ જાતા હૈ પરછાઈ કો સજાને કા જરૂરત નહીં અપના શરીર સજા પરછાઈ અપને આપ સજ જાતી હૈ ઇસકા મતલબ હૈ તુમ્હારી ઘર મે જો ઠાકુર હૈ ના આપ દેખના ઇનકો જિતને બઢિયા શ્રિંગાર કરોગે જિતને બઢિયા તુમ ઠાકુર કો સેવા કરોગે ના અગર ઠાકુર સજ ગયા તો તુમ દેખના અપને આપ સંસાર મે સજ જાઓ અગર તુમને ઠાકુર કો સજાય નહીં કેવલ દિન ભર યે શરીર કો સજાતે રહે જો ટાંટી પેશાબ ખૂન તલી કો નહીં ફિર તો સહી નહીં સજોગે ઇસલિયે શંકર જી દુનિયા કો શિક્ષા દેતે ભૈયા કે શરીર મે જ્યાદા આસક્તિ મત ક્યા કરો इसलिए शंकर जी की सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है आकंद और भदुरे जो वृक्ष कोई नहीं लगता जंगल जहरीले फूल चलता है बोले क्यों शंकर जी बेली चमेली माधवी केतकी बढ़िया बढ़िया फूल क्यों नहीं चढ़ाते बोले नहीं मैं तो प्रभु का सेवक हूँ बढ़िया बढ़िया फूल मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा में लगे इसलिए मैं अच्छे फूल धारण नहीं करूंगा शंकर जी का जो श्रृंगार है कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं देखना सर्प गले में सर्प हाथों में सर्प कमरे में सर्प सांप ही सांप ये कौन है ये अनंत देव है बोले ये अनंत देव कौन है बोले शंकर जी की गुरु है शिक्षा देते भैया अगर शरीर को सजाना है ना किस चीज में सजाओ बोले गुरु जी की उपदेश से किस चीज से गुरु जी की उपदेश से सजाओ जिससे तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी इसलिए शंकर जी संत है संत लोग क्या करते हैं अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं देखना शंकर जी का घर कहाँ कैलाश में बर्फ के पास में बर्फ के ऊपर में घर है भैया यहाँ पर कोई आए नहीं इसलिए आप शंकर जी की कभी भी देखोगे शंकर जी को देखना शंकर जी ध्यान में बैठे हुए देखोगे जब शंकर जी ध्यान लगाते हैं कल्प कल्प तक शंकर जी की ध्यान लग जाती है उनकी ध्यान टूटती नहीं लेकिन ये शंकर जी अपनी आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन ये शंकर जी छुपा नहीं पाए बोले क्यों बोले शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु है आप लोग बता सकते हो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है कौन बोलेगा हाथ उठाओ शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है बोले क्या बोल रहे क्या है हाँ बोले शंकर जी के पास सबसे पवित्र वस्तु हाँ अरे बोलो जोर से अरे जो आवाज नहीं आ रही हाँ हाँ देखो शंकर जी की जटा में ना माता गंगा है कौन है गंगा उनकी जटा में इसलिए गंगा कौन है ठाकुर जी की चरणामृत ठाकुर जी की ये चरणामृत श्री गंगा है इसलिए पवित्र वस्तु है बोले श्री गंगा मैया की तो जयकार नहीं दे रहे हो बोले श्री गंगा देवी की इसलिए श्री शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए कहाँ पर पहुंचे श्री नंद भवन में पहुंचे और शंकर जी के ऊपर में सांप बिच्छू लटक रहा है जटा जूट शंकर जी धारण किए हुए जब वहां पर गोकुल में पहुंचे देखा घर को सामने एक गोपी खड़ी थी शंकर जी ने कहा मैंने सुना है नंद बाबा का घर में के लाला भयो है बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो बढ़िया आशीर्वाद दूंगो बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी वो तो बड़ी सुंदर सद्धज करके आई थी लेकिन निकली और राक्षसी और तू देखने में वैसे लग रहे हो तेरे को देख कर तो मैं जी घबरा था भैया लाला भाला दर्शन नहीं होगा भिक्षा भिक्षा लो अपना रास्ता देखो उसने जाकर के मैया को बोल दी मैया आ गई बोले बाबा कहाँ वहां पे है बोले मैंने सुना तेरे घर में के लाला भयो बोले मेरे लाला तो तेरे कहाँ भयो है
बोले लाला को दर्शन करा दे, बड़ी हंसी बात है। बोले लाला कुछ दिन पहले पुतना आ गई, तू और आंखों से निकली और तू तो देखने में वैसे लग रही हो, मैं तो लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। उन्होंने लेकर के कन्या को छुपा दिया। जब छुपा दी, शंकर जी ध्यान में बैठी गई। बोले प्रभु आपके मैंने सारे लीला दर्शन की, लेकिन आपका बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं किया। हे प्रभु बड़ी दूर से आया हूं। शंकर जी कौन है? ये शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त है, इनके जैसे भक्त जगत में कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीर सम को रघुपति व्रतधारी। बोले शंकर जी के बराबर जगत में राम के कौन भक्त बन सकता है? जब भगवान राम रूप में आए, शंकर जी हनुमान बन करके आ गए और उनने क्या किया, ठाकुर जी की चरण की उन्होंने सेवा की। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम के बिना राम के बिना के बिना राम के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहते शंकर जी के बगैर प्रभु का कोई लीला ही नहीं है, हर अवतार में शंकर है। अभी आगे सुनेंगे, जब कृष्ण रास करेंगे शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं। वृंदावन में गए हो? कौन कौन वृंदावन में गए हो? अरे गोपीश्वर का दर्शन किया कि नहीं? किया कि नहीं गोपीश्वर महादेव को? हाँ देखो, अभी चंदन यात्रा आएगा ना, अक्षय तिथि 7 तारीख को आएगी, सबके सब वृंदावन में आना। अभी मैं बोलूंगा बाद में, ठीक है? ये जो अक्षय तृतीया है, ये साल का पहला दिन है, सृष्टि का पहला दिन है। भगवान अक्षय तृतीया दिन ये विश्व ब्रह्मांड को ठाकुर ने सृष्टि की, इसलिए उसी दिन जो काम करोगे उसका फल अक्षय। जैसे आप कोई गृह प्रवेश करना चाहते हो, कोई शादी करना करवाना चाहते हो, जैसे ना हम कोई तिथि देखते हैं ना, बढ़िया तिथि देखते हैं, लेकिन वो ऐसे के दिन है, कोई तिथि देखने का जरूरत नहीं, आंख बंद करके कोई काम कर लो, उसका फल क्या होगा? अक्षय फल मिलेगा। इसलिए वृंदावन में करोड़ों लाख लाख लोग आते हैं, पूरा ठाकुर जी को चंदन से श्रृंगार होता है, पूरा शरीर चरण से लेकर सर तक ठाकुर जी के खाली शरीर में साल में एक बार दर्शन मिलेगा, साल में एक बार वो अक्षय तीज का दीप। उसी दिन जो कुछ करोगे उसका फल अक्षय मिलेगा। इसलिए देखना मंदिर में उसी दिन ठाकुर जी को कहते कलसी में पानी भर कर देते हैं, उनको सत्तू देते हैं, फल देते हैं, उनको पंखा देते ना मंदिर में। बोले क्यों? बोले ठाकुर ने ही हमें सब कुछ दिया है। उसी दिन ठाकुर जी सृष्टि जितने गेहूं चावल जो जो कुछ हुआ है, उसी दिन ठाकुर ने ये सृष्टि की प्रारंभ किया। अगर ठाकुर को कुछ भी दोगे ना उसी दिन, उसका फल भी अक्षय मिलता है। इसलिए अभी अगली महीना 7 तारीख को ये अक्षय तृतीया है। कितने तारीख को? 7 तारीख को अक्षय तृतीया है। आओगे वृंदावन? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा वृंदावन? ठीक है, सबके सब हो सके तो देखो, इधर सुना हो सके तो उसी दिन एक काम करियो, जैसे यहाँ से राम से निकलो, क्योंकि अंदर में ना फिर बस घुसने नहीं देगा। अगर यहाँ से एक दिन पहले, जैसे शाम को यहाँ से निकल जाओगे, अगर 12 बजे से पहले अगर अंदर में चले जाओगे तो फिर वहाँ पर बस को बीच में नहीं रुकेगा रास्ता में, फिर दूसरी गाड़ी करना पड़ता, लेकिन बस अगर छोड़ देगा वो सीधा हमारी मंदिर के पास में पहुंच जाएगा, अपना मंदिर में पहुंच जाएगा सीधा के सीधा वो बस।
फिर वहां पर एक रात रुक करके, नहीं तो रुकने का जरूरत नहीं, उसी सवेरे सवेरे हो जाएगा, नहा धो करके चाहो मंदिर मंदिर दर्शन कर लो, नहीं तो वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, फिर ठाकुर जी की शाम को ठाकुर जी का चंदन का श्रृंगार देखोगे, पूरा शरीर ठाकुर जी के चंदन से श्रृंगार होगा, है उस दर्शन कर मंदिर मंदिर में, फिर वहां से लौट करके आ जाओ, पर यहाँ पर रात को पहुंच जाओ, ठीक है ना। एक दिन के अंदर में जाओगे उसी दिन, और उस दिन वापस भी चले आओगे, कौन कौन आएगा, आओगे ना, ठीक है। यहाँ पर हम किसको बोल देंगे, आप लोगों को ले लाने का कोई व्यवस्था कर देगा, बाबा है, बाबा आप उनको ले आओगे, आओ ना, हाँ हाँ, इसलिए नहीं तो हमारी सुनीता दीदी कहाँ है क्या, नहीं अभी तो घर से आ रही, हाँ इस सबको ले आना, ठीक है, सबको ले आओ, ला करके उस दिन दर्शन करा के फिर इनको वापस ले आना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए अभी शंकर जी ध्यान में बैठ गए, बोले प्रभु जी बड़ी दूर से आया हूँ, एक झलक दर्शन करा दे। अभी इतने में कृष्ण शंकर जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण रोना शुरू कर दी, मैया ने जितने थपथपी लगाए, कन्हैया उतना जोर जोर से रोए, इतने जोर से रो रहे थे परिवार पूरा दंग हो गए। बोले भैया लाला की रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है, एक गोपी ने कहा देखो वो जो बाबा है ना वो आंख बंद कर बैठा हुआ, लगता है तेरे लाला को पर कोई जादू बना कर रहा है, वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, जा लाला को दर्शन करा दे नहीं तो बाबा जाएगा नहीं, लगता है कुछ कर रहा है तेरे लाला को पर में। मैया ने उनको मोटी मोटी काजल लगा दी, सर को पर में काले कपड़े से ओढ़ दी, काले बूंद लगा दी, और काले धागा गले में बांध करके बड़ी कष्ट से उनको ले करके आई। बोले बाबा ले, तू बड़े अखड़ हो, ले दर्शन कर। जब शंकर जी को एक झलक दर्शन कराया, इतने में शंकर जी क्या कर रहे थे, कृष्ण तो रो रहे थे, इतने में कृष्ण हंसना शुरू कर दिया, और शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया को पता चला कि बाबा कुछ जानता है, क्यों लाला का तो रोना ले गया और लाला को अपना हंसना दे दिया, अगर माताओं को पता चली बाबा कुछ जादू करना जानता है और हाथ देखना जानता है, फिर क्या सब खेल जाती है। बोले बाबा मेरे हाथ देख लो, बाबा देखो मेरा बेटा क्या होने वाले, मेरी देखना घेर जाती है। बोले बाबा तेरे कोई जादू टोना आता है, बोले बहुत बढ़िया जादू टोना आता है, बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लग जाती है, तेरे पास में कुछ है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, बोले एक काम करोगे ना कभी भी तेरे लाला को नजर नहीं लगेगा, बोले बता दे, बोले जब तेरे लाला को स्नान कराओगे तो जो स्नान का पानी उचरना मिलता है उसको ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले ठीक है बाबा। बोले और कुछ करना पड़ेगा, बोले और एक काम करोगे तो नजर ही नहीं लगेगा, बोले बता दे, बोले लाला को जो भोजन कराओगे जो प्लेट में बच जाएगी वो प्रसाद मेरे को देना, बोले सो कर लूंगा। देखो ये 5,500 साल का कथा है, अगर अभी भी आप नंदगांव जाओगे ना देखोगे जब भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं वहां से सीधा चरणामृत शंकर जी के पास में आएगा, वहां पर नंदीश्वर महादेव है, पहले शंकर जी के सर पर डालेंगे, इसलिए भगवान के चरणामृत क्या गंगा, ये गंगा कौन है, ये वामन देव का चरणामृत है, इसलिए शंकर जी को सबसे पसंद किया है ठाकुर जी की। अब लोग कावेरी लोग देखा ना कावेरी कंधे पर पानी ले जाते, क्यों शंकर जी खुश होते हैं, बोले ठाकुर जी की चरणामृत है, ठाकुर जी की चरणामृत, और ठाकुर जी का जो प्रसाद है ना शंकर को सबसे प्यारा। देखो एक चीज सीखो, जैसे कोई चीज भोग लगाते हो डायरेक्ट शंकर जी को भोग मत लगाओ, डायरेक्ट माता देवी को भी कोई चीज भोग मत लगाओ, डायरेक्ट हनुमान को भी कोई चीज मत भोग लगाओ, हैं? जैसे जब राम दरबार लगती हैं, आप बताओ हनुमान कहाँ बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, शरण को नीचे, इसलिए हनुमान भगवान राम की भक्त है, हैं?
जब तक भगवान राम को कोई चीज भोग नहीं लगे, माता जानकी को कोई चीज भोग नहीं लगेगा ना। एक मन क्यों, सौ मन भी से हनुमान जी को सामने रख लो ना, हनुमान उस तरह से एक बार झांक कर भी नहीं देखेंगे। क्यों, राम की भक्त है, जब प्रभु राम की भोग लगेगा तब वो खाना खाएंगे, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह ये हनुमान जी को बोले शंकर जी, स्वयं शंकर ही हनुमान बन करके आए, इसलिए शंकर जी को भी कोई चीज डायरेक्ट भक्त भोग लगाना। इसलिए शिव पुराण में लिखा हुआ शंकर जी की डायरेक्ट खाना प्रसाद खाने से कुत्ता जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए माता जी को भी कोई चीज डायरेक्ट मत भोग लगाना। माता जी वैष्णवी है, वैष्णवी मतलब क्या है, जो विष्णु को आराधना करती है, पहले कृष्ण हो राम हो पहले इनको भोग लगाओ। पर ये प्रसाद अगर शंकर जी को दो तो माता जी को दो हनुमान जी को दो ना, बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं और खूब आपका आशीर्वाद देंगे। हाँ, जब ठाकुर जी को भोग लगे प्रसाद, जब शंकर जी को भोग लगता है ना प्रसाद नहीं, वो महाप्रसाद हो जाता है, उसका और भी महत्व बन जाती। क्यों, शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभो, शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। बोले श्री भोले बाबा की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, एक भजन सुनो, भगवान कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। हर के मोहन मैया मैया, कहने लगे 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 मैया मैया, मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, गैया गैया, कहने लगे मोहन
जितने सांस बैठे हैं सांस वो सोच रही है कथा में बैठे हुए कहीं बहू तो मलाई उठा के ना खा रही है ऐसे इसलिए मन को कथा में लगा मन को कंट्रोल कर आजकल लोग जो है मंदिर में भी जाते हैं मंदिर में भी जाते हैं तो चप्पलों को ऐसी जगह पे रखते हैं ऐसी जगह पे रखते हैं जहां से भगवान जी भी दिखे और चप्पल भी दिखे है ना तो मंदिर में जाके स्तुति करता है कैसे स्तुति करता है देखिए मंदिर में जाके स्तुति करता है कि तमेव माता सपिता तमेव यानी कि भगवान कौन हुए माता तमेव माता और पिता कौन हुए चप्पल है ना चप्पल बोले इसलिए मन को फर्क करो यहाँ कथा में लगाए मन को कथा का लाभ उठाए कहने लगे मोहन मैया मैया 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 I'm
मतलब क्या है? अच्छा जो नहीं बोल रहा है मुझे पता है क्यों नहीं बोले, क्योंकि उनके खसम का नाम आ जाता होगा। एक जगह क्या हुआ, एक पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, कौन सा कीर्तन देखिए कि काली अमर तन कम सब कंदन देव की नमन तब सजन और ये कीर्तन लोग पंडित जी कराते हैं। और ये माता जी के पति का नाम था देव की नंदन, ठीक है। अब देव की नंदन था तो पति का नाम पुराने जमाने के जो माता जी लोग है वो तो लेती है, अभी भी नहीं लेती, अभी भी लेती है क्या? नहीं, घड़ी में कोई नहीं लेती, घड़ी में नहीं, बड़े बड़े शहरों में लेती है, आदमी गाँव में कोई नहीं लेती। पुराने जमाने में माताएं जो है पति का नाम नहीं लेती थी, तो इसलिए अब वो देव की नंदन उनके पति का नाम है। नाम ले तो ले कैसे पति का नाम? मैंने ऐसा सुना कि पति का नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है, इसलिए नहीं लेती है। तो ऐसा हुआ, वो जो सामने बैठी थी माता जी उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब पंडित जी कीर्तन कराए बार बार देवकी नंदन के जगह पे ताल बिगड़ जाए, लय बिगड़ जाए, अब तो पंडित जी ने जो है खटखरा लगा, जाओ पीछे जाके बैठो, कीर्तन में आते हो रोज ताल काटते हो, ताल बिगड़ते हो, लय बिगड़ते हो, पीछे जाके बैठो। तो माता जी जो है गुस्सा होकर के चली गई घर, और घर जाकर के वो रीजन की क्या रिहर्सल किया उसी कीर्तन को, कि ताल ना बिगड़े मैं ना बिगड़े, क्या कीर्तन किया? देखिए कैसे रिहर्सल करती है। उनके घर में दो बिटिया थी, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा। अब देखिए कीर्तन कैसे कर रहे हैं, पति का नाम भी ना आया कीर्तन भी हो गया। तो देखिए कि काली अमर तन कम सति कंदन चंपा के काथा तब सरण, काली अमर तन कम सति कंदन पुष्प के काथा तब सरण। अब रीजन हो गई, आप तो वो बनारसी साड़ी पहनकर एक बिल्कुल सामने आकर के बैठ गई, धान के बैठ गई बिल्कुल। और जैसे पंडित जी ने कीर्तन कराया जी तो यही कीर्तन करा रहे, लेकिन माता जी क्या गा रहे हैं कि काली अमर तन तन चंडी कंचन चंपा के पापा तब सरण, काली अमर तन तन चंडी कंचन चंपा के पापा तब सरण। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है
कि कैसे भी हो, इशारे से हो और कैसे भी हो, भगवान का नाम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में पति का नाम, किसी का नाम राधा का, किसी का नाम कन्हैया, किसी का नाम गोभी, इसलिए हो सकता है आप लोग नहीं ले रहे नाम। तो इस प्रकार ले सकते हैं, डायरेक्ट ये कीर्तन भी इनडायरेक्ट है। काली और मर्दन कौन है? कन्हैया। और कंस निकंदन कौन है? कन्हैया। ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग नाम ले सकते हैं। तो सभी लोग एक बार काली हो जाकर क्या जाएंगे? राधे राधे प्रेम से बोलेंगे। पीछे भी हाथ उठाए, सभी लोग पीछे नहीं उठा रहे, प्रेम से बोलो काली बजा के, काली बजा के, प्रेम से बोलो काली बजा के, हरे भाई ने सुनी प्रेम से बोलो काली बजा के, 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 वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कितने बड़े हो गए? बोले 3 महीना। अब देखना बच्चा जब 3-4 महीना हो जाए ना, वो अपने आप करवट लेता है। इतने में कृष्णा ने करवट ले ली। मैया को तो बड़ा आनंद हो, लाला का शरीर में ताकत आ गई है, करवट ले लिया। आज तो घर में उत्सव मनाओ। पहले क्या उत्सव है आप देखना, अभी भी गाँव में सारे ब्रज गोपियों को नौता दे दी। बोले आज हमारे घर में लाला की करवट लेने का उत्सव करेंगे। और अपना आंगन को साफ कर दी, जितने दूध दही मक्खन को उन्होंने बैलगाड़ी के ऊपर रख दी दूर में, और कन्या को स्नान करके उसको नीचे रख दी। क्यों? अभी गीत गा रहे भी गोपियां, लाला की कच्चा नींद टूट नहीं जाए, फिर रोएगा इसको क्या लेना क्या देना। अगर इसको लेकर के बैठ तो घर का काम काज कैसे होगा। अभी गोपियां आकर के बैठ करके बड़ी सुंदर कन्या की प्यारी प्यारी मीठी मीठी भजन कीर्तन कर रही थी। इतने में देखो एक दिन नारद जी भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में, वहां भी नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह में मेरे को पाओगे जहां पर मेरे भक्त बैठ करके मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे हैं दुनिया को उद्धार करने के लिए, इतने में सारे भक्त लोग उनका आए, महाप्रभु उनको बैठाए। बैठा करके महाप्रभु भक्तों से बोल रहे हैं, बोले बताओ मेरे को कौन कौन प्रेम करते हो? कौन कह रहे हैं? भगवान। बता भगवान को कौन कौन प्रेम करते हो? हाथ उठाओ तो देखो, सबके सब हाथ उठाए। बोले देखो अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो ना, मैं कलयुग में 2 रूप में आया हूँ। कलयुग में 2 रूप में, मेरे पहला रूप क्या है? देखो तुम्हारे घर में जो गोपाल है ना, लड्डू गोपाल, कहती ये एक मेरे रूप है। बोले दूसरा रूप क्या है?
बोले भगवान के नाम, भगवान की नाम। ये दो रूप में मैं कलयुग में आया हूँ। अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, हृदय से प्रेम करते हो, क्या करना, शाम को जब सबके सब लोग आ जाए घर में, थोड़ी समय बैठ जाए अपना घर में बैठना, बैठ करके हाथ में ताली बजाते हुए, अगर तुम्हारे पास में ढोलकी मजीरा है अच्छी बात, अगर ये भी नहीं है ना, थोड़ी सी ताली बजाते हुए मेरे कीर्तन को करना। जहां पर मेरे कीर्तन में वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर मैं रहता हूँ। आप देखो अपना घर में, देखो शाम को 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, सबको परिवार को लेकर बैठ जाओ और थोड़ी सी हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ा कीर्तन करो, देखोगे दिन भर का जो परिश्रम है, जो परिश्रम सब दूर हो जाएगा। और क्योंकि जो भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का नाम, ये भगवान खुद कह रहे ठाकुर जी। अभी गोपियां बैठ करके कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, इतने में कृष्ण की नींद खुल गई, नींद खुल गई तो कृष्ण देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ और वहां पर गोपियां बैठ करके मेरी कीर्तन कर रही हैं। अभी कृष्ण की इच्छा है, भैया मैं भी थोड़ा कीर्तन सुनूं, मैं भी थोड़ा अपना कीर्तन लूं, आनंद लूं, मैं भी थोड़ा भजन सुनूं। लेकिन कृष्ण का उम्र अभी कितने बताओ, अभी मैंने बताया था ना कितना दिन के कृष्ण, 3 महीने के। अभी प्रभु को गुठन पर भी चलना नहीं आता, अभी प्रभु अभी क्या करे देखना, बच्चा जब भूख लगे ना बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रोता है। फिर मैया को पता चलता लाला को भूख लगी है, फिर लाला को मैया दूध पिलाती है। इतने में कृष्ण सोचे अगर मैं जोर जोर से रोऊं ना, हो सकता है माँ मेरे को गोद में उठा करके ले जाएगी, मुझे भी कीर्तन को बीच में लेटा देगी, मैं भी अपना कीर्तन का थोड़ा आनंद लूं। देखो इधर सुना, कथा तो हमें भी अच्छी लगती है, कीर्तन हमें भी अच्छी लगती है। जानते हो ठाकुर का कीर्तन कृष्ण कथा किसको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है बताओ, जगत में सबसे अच्छा कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन सबसे बढ़िया किसको लगता है, किसको किसको लगता है, कहते भगवान को खुद। ठाकुर जी का कीर्तन कृष्ण कथा इतने इतने रस है ना, इतने आनंद है, कृष्ण जितने आनंद से अपनी कथा सुनते हैं ना और कोई नहीं। जैसे यहाँ पर गोपाल जी को ले आए ना, ठाकुर जी कथा सुनते हैं। देखो इधर सुना के सच घटना सुनो, आप लोग जयपुर गए हो, कौन कौन जयपुर गए, आप लोग कहीं से घर में जिंदगी भर रोसी बनाते बनाते तुम्हारी जीवन चली गई, घर से कहीं बाहर नहीं निकलती हो। देखो जयपुर में वहां पर भगवान गोविंद थे, विशाल मंदिर है, जिस विग्रह को कृष्ण का समय से जो ठाकुर बने थे, वो गोविंद देव को जो दर्शन करता है ना, कृष्ण का दर्शन करने का फल मिलता है। श्री जयपुर में गोविंद देव है, इसलिए एक समय गोविंद देव मंदिर में एक संत हर साल आकर कथा करते थे, एक साल कथा करके गए, दूसरे साल कथा करने के लिए वो संत आए। जब आए वहां पर सब आप जैसे श्रोता लोग आए, तो वो संत प्रश्न करता है, आप लोग ये बताओ पिछले साल मैंने जो कथा की थी, ये कथा कहाँ पर मैंने विश्राम किया था, कथा कहाँ तक हुई थी, फिर उसको बाद में फिर मैं कथा सुनाऊंगा। बोला भाई, बोला बोले भैया कल जो भोजन किया अभी तक आज याद नहीं रहता है, और एक साल पहले कथा सुनाई था थोड़ी याद है, तो सब भूल बैठे। इतने में वो संत कहता है लगता है ये कथा कोई नहीं सुनते हो, कथा कोई नहीं सुनते हो, मैंने क्या सुनाया था सब भूल गए हो। जब इतना बोले ना, मंदिर के अंदर से आवाज आई, बोले बाबा आप कैसे कहते हो कथा कोई नहीं सुनते हैं, ठाकुर जी स्वयं कृष्ण कहते हैं कथा मैं सुनता ना, कथा मैं सुनता हूँ, पिछले साल आपने यहाँ तक कथा की, इसको बाद में फिर आदि कथा हुई थी। भगवान स्वयं आवाज देते हैं, इसलिए भगवान की कीर्तन भगवान की कथा, जैसे यहाँ पर लड्डू गोपाल को ले आए ना, ठाकुर जी बड़े खुश होकर अपनी कथा सुनाते हैं। जैसे जैसे समझो हमने ये बताए, जैसे ये बेटी तुम्हारे नाम क्या है, जोर से बोला, जोर से बोला, जैसे काजल है, अगर मैं बोलूं कि काजल लड़की बहुत अच्छी है, नेचर के बहुत मीठा है, सबका आदर देती है, सबका सेवा करती है, सबका इज्जत देती है, खुश हो जाती कि नहीं, खुश हो जाती कि नहीं,
उसी तरह जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण की महिमा गाते हैं ना, कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न अपना कथा सुन करके। इसलिए अभी कृष्ण वो बैलगाड़ी में को नीचे कृष्ण को लेटा दी, अभी कृष्ण सोच रहे भैया मैं भी कथा सुन आकर के, मैं भी अपना भजन का आनंद लूं। लेकिन इतने में कृष्ण जब रोना शुरू कर दी, लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई, लेकिन कृष्ण रो रो कर थक गए, बोले भैया कब तक रोऊं, इतना तो रो लिया। मैया तो कीर्तन हो रही थी, जोर से आवाज ही नहीं पड़ी, अभी कृष्ण की इच्छा कीर्तन में आए। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया नहीं है, बोले मेरी उद्धार कैसे होगी, बोले कृष्ण का चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी। इतने में कहते हो दत्त आ गया, सकटा शुरू आ गया। देखा कृष्ण कहां पर, बोले बैलगाड़ी को नीचे, सोचा ये गाड़ी को ऊपर में सवार हो जाता हूं और धीरे धीरे दबाते दबाते मैं कृष्ण को पीस लूंगा। इतने में कृष्ण अपना कोमल चरणों को धीरे धीरे चलाए और ऐसे बैलगाड़ी में ठोकर मारे, गाड़ी पलट गई, जितने दूर गई बिखर गया सबके साथ, और जितने ब्रज गोपी भागते भागते आए, आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, पलटी तो पलटी कैसे। फिर उन्होंने कृष्ण को उठा करके ले गए, कीर्तन को बीच में लेटा दी, फिर तो कीर्तन करना शुरू कर दी। कन्या खुश हो गई, बोले मैं तो पहले यही चाह रहा था, अगर मेरे को ले आता इतना थोड़ी ना अटकट करता। देखो माताएं ध्यान दे कर सुनो, कभी ये लीला में शिक्षा क्या है, इसमें शिक्षा क्या, ये चीज को लेकर के जाओ, ठीक है ना। जैसे हमारे घर में बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, नहीं तो शादी, घर में शादी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जिसने सब कुछ दिया है ना उसके लिए कुछ नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होगा ना, देखना बच्चे का 10 जोड़ी उसकी कपड़ा है, सूट सलवार पैंट सूट होगा, लेकिन अगर तब भी एक नया ला करके आएंगे, आएगी कि नहीं। शादी हो रही है तुम्हारी, मानो 100 साड़ी तुम्हारी अलमारी में, तब भी एक नया साड़ी खरीदी करोगे, हाँ शादी की। अब देखना, लेकिन देखना घर में गोपाल जी बैठे हुए, और वो एक कपड़े से 15 दिन से बैठे हुए, एक कपड़े से एक महीना से कृष्ण बैठे हुए। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसके लिए कुछ नहीं, और जिसने कुछ नहीं दिया उसके लिए बस उसको उसको दिन में देते वाला कपड़ा बदला रहे, और ठाकुर जी की महीना से कपड़ा नहीं बदला रहे। हाँ देखो ध्यान देखो सुना, ये शास्त्र में बताए, भगवान को अगर कोई कपड़ा पहनाते हो, कहते वो कपड़े में जितने धागा होती है ना उतना कल्प तक उसको वैकुंठ निवास होता है। द्रौपदी साड़ी फाड़ करके भगवान की अंगुल में बैंडेज कर दी, ठाकुर जी भरी सभा में उनको वस्त्र प्रदान की, समझ रहे हो। भगवान की जितने कपड़े क्यों नहीं हो, ठाकुर जी को कोई तिथि दबा आए तो अपना बच्चे के लिए मत सोचो, अपना बेटी के लिए मत समझो, सोचो घर में ठाकुर जी के लिए कुछ है कि नहीं। क्योंकि ठाकुर को जितने अच्छी सेवा करोगे ना उतना ही संसार में फलते फूलते रहोगे, उतना ही खुशी रहोगे, समझ रहे हो। और जैसे शादी हो रही है ऐसे नहीं सारा दुनिया भूतों को खिला रहे हो, नाच रहे हो डिस्को ध्यान से, ठाकुर जी बैठे हुए और सबने प्याज लहसुन डाल डूल करके सारा दुनिया को खिला रहे हो, ठाकुर जी जैसे तैसे बैठे हुए। मैंने कुछ माता हमको बोला, बोले भैया ठाकुर जी को भोग ला कर खाया करो, बोले घर में सब प्याज लहसुन खाते हैं। मैंने सारा दुनिया कहा था तुम तो ठाकुर के लिए कुछ करो, भले ही दुनिया प्याज लहसुन खाए लेकिन तुम तो ठाकुर के लिए कुछ बनाओ, जब दुनिया के लिए तुम बना रहे हो। देखो ध्यान देकर सुना, संसार में हम जो कुछ करते हैं ना दूसरे के सुख के लिए, पति को कैसे खुश कर दे, बेटे को कैसे खुश कर दे, बेटी को कैसे खुश कर दे, खसम को कैसे सुख कर दे। आप बताओ अभी तक सेवा करते करते किस कोई तुम्हारे ऊपर खुश हुए, बोला कोई एक व्यक्ति बोल दो मेरे ऊपर में बेटा खुश हो गया, बेटी खुश हो गई, पति कोई खुश अभी होते हैं। भैया दिन भर जिंदगी भर सेवा करते करते किसी को खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन कन्या को खुश करना दुनिया खुश हो जाए, ठीक है ना। दुनिया भले जो कुछ खाए लेकिन ठाकुर के लिए तुम अलग बना करके ठाकुर जी को भोग लाकर खाया था, ठीक है ना। देखो मैंने आज मेरे भक्तों को समझाता हूँ, कहते नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं, बोले कैसे, बोले खुश तो प्याज डाल करके हाँ शाही पनीर मटर पनीर चकाचक खा रहे, और भगवान को थोड़ी सी बतासा भोग लगा दिया, नहीं तो एक गिलास मट्ठा नहीं तो दूध लगा दिया, बोले ठाकुर को तो भोग लगाते हैं। देखो एक चीज को समझो, जैसे तुम्हारी घर में एक नौकर है, ये नौकर बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है लेकिन वो मालिक को नहीं देता, वो छुपा छुपा करके खा लेता है बढ़िया बढ़िया खाना,
और माली को जैसे तैसे खिला देता है। अगर मालिक को पता चले ये नौकर मेरा रोज रोज शाही मटर पनीर राजमा चावल चकाचक मटर पनीर बढ़िया बढ़िया खाता और लेकिन मेरे को जैसे तैसे ला करके खिला देता है, अगर मालिक को पता चलेगा तो क्या करेगा बोलो? आप लोग बोलो, मालिक और नौकर को क्या करेगा बोलो? आप लोग क्या करेगा? निकाल देगा ना घर से। आप बताओ घर का मालिक कौन है? ठाकुर। हम उनके सेवक है, हम उनके सेवक है। वो क्या देख नहीं रहे? वो सब कुछ देख रहे बैठी बैठी करके। वो देखने में बड़े छोटे हैं, वो देखने में बड़े छोटे लेकिन बड़े छोटे कन्हैया कन्हैया बड़े छोटे। वो बैठे बैठ कर सारे चीज को देख रहे हैं, बोले सब कुछ मैंने इसको दिया, सब कुछ मैंने इसको दिया। ये देखो ये कैसे मेरे को बैठा दिया, जैसे पत्थर बैठा हुआ, जैसे मेरे को कुछ दिखता नहीं, सब देख रहे ठाकुर जी, समझ रहे हो? इसलिए क्या करो, भले ही दुनिया खा रहे हैं लेकिन तुम ठाकुर जी के लिए कुछ बनाओ, बना करके ठाकुर को भोग लगाओ। जो दुनिया के लिए बना रहे हो, जो कुछ बदनामी देगा दुनिया देगा ना, तुम्हें कोई जिंदगी भर सेवा करोगे ना लास्ट में तुम्हें बदनामी देगा, बहू भी बदनामी देगी, पति भी बदनामी देगी, बेटा भी बदनाम। जब दुनिया तुम्हें बदनामी देगा उसी के लिए जो मर मिट रहे हो, ठाकुर जो सुनामी देने वाले उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्या करना? प्याज लहसुन नहीं खाना, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, गले में तुलसी की कंठी पहनो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, ठीक है? इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने ऐसे लात मारी ना, वो बैलगाड़ी को उन्होंने पलटा दिया और उन्होंने सारे दूध दही जो था उसको तसनस कर दिया। भगवान कहते अगर मेरे लिए नहीं करोगे दुनिया के लिए करोगे ना, ऐसे लात मारूंगा सब बिगाड़ दूंगा। बसि वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो आपके गांव के एक बाबा है, आप इनको सबको जानते होंगे, ये थोड़ी सी आपको थोड़ी सी भगवान की कोई मीठी मीठी कथा सुनाएंगे आपको। आ जाओ बाबा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। कोई माइक नहीं है, माइक दे दो बाबा, इसको ले जाओ वो वहीं पर, और एक माइक। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्ये प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवर्षादि गौरभक्तवृन्द हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये इंद्राये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। आज गुरु जी की कृपा से मेरे को बोलने का मौका दिया है, हालांकि मैं आप लोगों का बच्चा हूं, कथा के लिए मैं गुरु जी जो बोल रहे हैं वो कथा हो तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। गुरु जी ने कहा था कि आप अपनी भक्ति के बारे में बताओगे, आप भक्ति लाइन में आए कैसे? तो मैं जब घर से भक्ति मार्ग की तरफ चला था तो भटकता रहा था और इतना भटका कि मैं एक एक महीने के लिए घर से बाहर निकल जाता था। लोगों ने मेरे बारे में इतनी चर्चाएं चलाई, किसी ने कहा इसकी दूसरी शादी हो गई है, इसके बच्चे हैं, ये घूमता है। कहने का मेरा मतलब ये कि भक्त के जीवन में लांछन अक्सर लगते हैं और जब तक वो लांछन नहीं लगेंगे तब तक भक्त जो निखरेगा नहीं। भक्ति मार्ग के बारे में सिर्फ मैं इतना कहूंगा
कि अभी गुरुदेव ने जो बताया था कि तिलक, कंठी और माला, गुरुजी से लगभग लगभग यहाँ काफी लोगों ने दीक्षा ली है, मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वाक्य में सच्चे दिल से दीक्षा ली है तो तीन चीज हमेशा अपने जीवन में अपनाए, तिलक, कंठी और झोली। अब यहां होता क्या है कि जब तक गुरुजी बैठे हैं तो लोग दिखा रहे हैं, मगर जैसे ही गुरुजी जाएंगे तो झोली भी टांग देंगे, तिलक भी नहीं लगाएंगे और कंठी तो सब हो सकता है लगा बांधते हो। और मैं ये चाहता हूं कि जब आप अपने पति के लिए समझते हो, उसके लिए मांग में सिंदूर पड़ते हो, सस्ते हो, तो जो हम ये तिलक लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं? हम किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाते। मैं जो लगाता हूं, मेरा जो ध्येय है, मैं अपने ठाकुर जी को खुश करने के लिए लगाता हूं, मैं उनके लिए समझता हूं, मैं किसी और के लिए नहीं समझता, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो यही है, क्योंकि मुझे जन्म जन्म इन्हीं के साथ रहना है। आप लोग तो नस्बर हो, आज मिल रहे हो कल नहीं मिलोगे, इससे पहले पिछली कथा में कितने थे आज नहीं है, और अगली कथा में कितने होंगे कितने नहीं होंगे कोई पक्का पता नहीं है। इसलिए जीवन में जो कलयुग में जो अभी जो गुरु जी बता रहे, क्योंकि मैं इतना तो बोल नहीं पाऊंगा, गुरु जी ने जो बातें बताई थी ना कि हरि नाम, आप हरि नाम करते रहिए और फिर इसका चमत्कार देखिए आप लोग। संत लोग तो हमें सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, धन दौलत नहीं देते, ना ही उनके पास धन दौलत है, वो तो आपको मार्ग दिखा देंगे, ये मार्ग ऐसे कर लो, ऐसे चलना है। जीवन में जब जब आप भक्ति करोगे तब तक आपको सबसे पहले आपके घर वाले ही पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि बाबा जी बनने जा रहा है। अगर कोई दूसरा बाबा जी आ जाए ना, जय हो, अपना बेटा बाबा जी बन जाए, ये लो जी इसने क्या कर दिया, ये रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं। पर जब रिश्तेदार नाराज होते हैं तो रिश्तेदार मेरे को छोड़कर भाग जाते हैं, क्यों? वो संसारिक लोग हैं, जो भक्त होगा वो भक्त को पहचानेगा। इसलिए मेरी तो सिर्फ एक ही विनती है आप लोगों से, आप लोग भागवत सुन रहे हैं, इसे जो अभी प्रभु जी ने बताया था अभी अभी कि अगर शाम के टाइम सोने से पहले अगर आप लोग 10 मिनट के लिए भी हरि कीर्तन कर दें तो ये समझ लीजिए कि आप अगर मान लो सुबह आपकी आंख नहीं खुली तो आप सीधे बैकुंठ गए। हरि कीर्तन हर घर में होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से लोग आए, घर के ही मेंबर हो, दो हो, चार हो, तो सभी अपना जो है हरि कीर्तन करें। और हरि कीर्तन करने के लिए कोई ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, हाथों की तालियों से भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र आपको कीर्तन रूप में गाना है। जब आप माला जप रहे हो तो आप इतनी आवाज निकालिए कि आपके मुंह से आपके कानों तक पहुंच जाए, मगर जब आप हरि कीर्तन कर रहे हो तो पड़ोसियों तक भी आवाज जानी चाहिए। और मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना है कि भागवत को जब आप भागवत अपने घर के अंदर कीर्तन करोगे, भागवत सुनोगे, तो एक कोई बुराई अपने अंदर से छोड़ के जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर में, मैं वो दूंगा आपको कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे लिए तो सारा घर ही मेरा अपना बैठा हुआ है, जो वासुदेव कुटुंब है ना, संसार से जो नाता है ना, जो भी ये मिलता है वो मेरा अपना घर का मेंबर है। बुराइयों को छोड़ दो और सत्य को अपनाओ, यही मेरी प्रार्थना आप लोगों से। भक्ति मार्ग बहुत आसान है और बहुत हार्ड भी है, मगर जब आप हरि नाम करोगे तो आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जितना भी आप लोगों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके घर में,
सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी आपके घर में है, जितनी भी चीजें आप लोगों के पास है, आप अपने बचपन से लेकर अभी तक देखो, आप लोग जितना भी आपने जोड़ा है ना, ये सारा यहीं रह जाना है। असली खजाना सिर्फ एक ही है और वो है हरि नाम। जैसे बैंक में पैसा नहीं है, चेकबुक आपके पास है, आप चेकबुक काट के किसी को दे दो, अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोगों ने हरि नाम नहीं जपा और आप यहां से शरीर को त्याग करके चले गए, मतलब मीन्स आत्मा, तो आत्मा को तो जब ही कोई जीवन मिलेगा ना आगे, अच्छा जो वो उसके अकाउंट मिले। जैसे कहते हैं ना कि भगवान अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था ये बात कि भगवान अगर किसी कारण से ये संसारिक लोग, भौतिक संसारिक लोग किसी कारण से अपनी भक्ति लाइन से गिर जाते हैं तो क्या इनकी भक्ति खराब हो जाएगी? तो भगवान ने कहा नहीं, इनको मैं फिर एक मौका दूंगा, जहां से इनकी भक्ति छूटी है वहीं से मैं इनको फिर एक मौका दूंगा भक्ति करने का, और एक अच्छे घर में उनको जन्म दूंगा, किसी ज्ञानी परिवार में, किसी धनवान परिवार के अंदर। ये जो आज हमारे बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, ये मत समझो ये बच्चे हमारे हैं, ये पीछे अच्छा जन्म करता है। देखिए आप सोनिया गांधी इटली की और राजीव गांधी जो है इंडिया का, उन दोनों के मिलन से एक राहुल गांधी पैदा हुआ है, सदा सदा के लिए राजा। देखिए आप उसके भाग्य में क्या दिखाता, पीछे भक्ति करके आया होगा। ये जितने बच्चे हमारे ये होते हैं, ये सभी जो ना अपने अपने लेख अपने अपने कर्मों के अनुसार आते हैं। इन चीजों को आप भक्ति करो, यही आपके साथ जाना है और कुछ नहीं जाना। आप अपने बेटे के लिए आज की डेट में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दो, मगर उसकी नजर होगी 2 करोड़ रुपए, और वो अपने बाप से सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। उसके घर में तो फॉर्चूनर खड़ी है, हमारे घर में मारुति कार है। वो सीधा एग्जाम्पल जो ना फॉर्चूनर वाले की देगा, अरे भैया ऐसे कर्म करके आया होता जो फॉर्चूनर बैठता। तो बाकी मैं टाइम इतना नहीं दे रहा, पर मैं एक ही बात कहूंगा सभी से, अपने घर में शाम को हरि कीर्तन हर अपने परिवार को लेकर के चाहे 10 मिनट करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की। अगर किसी को कीर्तन के लिए अगर मान लो उसके घर में कोई नहीं, अगर वो कर पा रहे हैं तो मुझे बोलो, मैं उसके घर का कीर्तन करने के लिए आऊंगा, कोई चार्ज नहीं मेरे से, मैं खुद उसके घर में कीर्तन करने आऊंगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप हरि नाम मत छोड़ो, यही आप लोगों के साथ जाएगा। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे हो, मैं अकेला बोलता हूँ, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अरे गिरिराज बाबा को जय दो, जो जितने गिरिराज के लिए जय देगा ना उसको उतना ही जय होगा। और आपका गुजरात का देवता कौन है? गिरिराज बाबा है ना, और मोहन बाबा कौन है? मोहन बाबा और एक गिरिराज। मोहन कौन है? कृष्ण है। मोहन कौन है? वही गिरिराज ही मोहन, और कोई नहीं है, है? इसलिए आपका देवता कौन? मोहन बाबा, श्री गिरिराज बाबा। प्लस गिरिराज बाबा की। अज्ञान विरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्मनित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन श्री श्रीमद भक्ति
वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी से उनके ऐतिहासिक कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर, मुझ पर कृपा करें ताकि हम अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर पाए। आज भागवतम का छठा दिन है, ठीक है। आज हम छठा दिन, छठी बार यहाँ पे गोता लगाने के लिए आए हैं। जो सार रूप में देखो, भागवतम बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं इसके अंदर, ठीक है। हम इतनी शिक्षाएं हैं इसमें, कई कथाएं हैं, शिक्षाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। उसमें से जो अभी प्रभु जी भी बोल के गए हैं, सार रूप में हम क्या ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैक्सिमम जितनी भी विवाहिताएं हैं, शादीशुदा महिलाएं, माताएं हैं, सब ने मांग में क्या सिंदूर भर रखा है, सिंदूर भर रखा। और यही सिंदूर, सोचना, यही सिंदूर जब हनुमान जी को पता चला कि सीता मैया इसलिए रखती हैं कि राम जी को प्रसन्न करने के लिए, राम जी की अच्छी सेहत की कामना, उनकी शुभकामना के लिए रखती हैं, तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे शरीर पे लगा लिया। और ऐसे ही ये जो गोपी चंदन हमने लगा रखा है ना, ये है क्या, ये जो तिलक हमने लगाया है, जिस चीज का लगाया है, ये पता है क्या है, क्या है, गोपी चंदन कहां से आया भाई, कौन से लोक से आया है, कहां से आया है ये गोपी चंदन, क्यों लगाए ये गोपी चंदन, फायदे क्या है इस गोपी चंदन के, इस सिंदूर लगाने के क्या फायदे हैं, मुझे ये बताओ। बस सास गुस्सा नहीं होती, पति गुस्सा नहीं होता, और पूरे मोहल्ले में डिक्लेयर हो जाता है कि फलाने की बहू है, तो बुरी नजर नहीं लगती। क्या नहीं लगती एक स्त्री को, बुरी नजर। गुस्सा एक अलग बात है, पर समझना, अगर एक विवाहिता स्त्री भी, एक विवाहिता स्त्री भी कहीं बाहर कहीं चली जाए और वो सिंदूर लगा के निकलने लग जाए ना, तो बुरी नजरों से, जो है बुरे पुरुष, उनकी नजरों से बच सकती है। ये साधारण सा सिंदूर इतना छोटा, इतना ऐसा काम कर रहा है, तो ये सोचो ये तिलक क्या करेगा। आप इसके बारे में सुनना, ये जो गोपी चंदन है ना, इसका नाम ही है गोपी, ये गोपियों की रज है। जो महाराज जी ने कथा सुनाई थी ना कि ठाकुर जी ने लीला करी थी बीमार होने की लीला इसलिए करी थी, ये दिखाने के लिए कि उनके सबसे बड़े भक्त कौन है। तो नारद जी ने पूछा, अरे ठाकुर जी ठीक कैसे हो गए, ये आपकी लीला है, आप ही जानो। तो ठाकुर जी ने तब कहा था कि अगर मेरा कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे, उसको मैं खा लूं और अपने शरीर पे लगा लूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा ये जो शरीर में दर्द है, सर में दर्द है, बीमार हूं मैं, ये बुखार है मुझे, ये सब उतर जाएगा। तो नारद जी हर किसी के पास जा रहे हैं और हर कोई हाथ जोड़ के क्या कह रहा है कि नहीं नहीं बाबा, वो भगवान है, वो हमारे प्रभु हैं, मैं अपने चरणों की रज उनको दे दूं, वो अपने सर पे लगाएंगे, मैं क्या नर्क जाऊंगी। और जब ब्रज में पहुंचे हैं ना, ब्रज गोपियों के पास पहुंचे हैं, तो नारद जी से क्या पूछे, नारद जी खाली हाथ आए हो, कोई बोरी वोरी लाए हो। तो भैया करोड़ों गोपियां हैं, थोड़ी थोड़ी भी देंगी ना। उन्होंने भी यमुना जी में पैर गीले किए, मिट्टी लगाई और झाड़ झाड़ के बोरा भर के दे दे के जाओ नारद जी ले जाओ। वो जो गोपियों की रज है जिसे भगवान अपने माथे पे लगाते हैं, समझना कौन, ये ब्रह्मांड के मालिक अपने माथे पे लगाते हैं, वो गोपियों की रज है ये। वो पता क्या, इतना चंदन था, भगवान ने उससे स्नान किया, वो सारा का सारा जाके एक कुंड में भर गया। वो कुंड आज भी है द्वारका में, क्योंकि तब तो भगवान कहाँ थे, द्वारका में रह रहे थे ना, वो कुंड आज भी है, उसको गोपी तालाब कहते हैं। ये सारा चंदन वहीं से तालाब में से निकल निकल के बड़े बड़े ढेले आते हैं, इसके क्या आते हैं, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, और इसी से ये चंदन बनता है। और ये जो तिलक हम लगाते हैं, हम 12 जगह तिलक लगाते हैं, माताएं सिंदूर एक जगह लगाती हैं ताकि बुरी नजर से बचें। ये शरीर भी तो सोचो ना, आज की डेट में बाहर निकलते हो, आप महसूस कर सकते हो कि इस बंदे के कोई आपके साथ में बैठा है, या कोई बहुत गुस्से में है, कोई बहुत नेगेटिव है, तो हमें ना अपने आप ही फील होने लग जाता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हॉस्पिटल में जाओ कितना अच्छा लगता है ना,
हॉस्पिटल में जाके ऐसा लगता है ना, आह बढ़िया जगह आ गए, यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहे, कैसा लगता है, हे भगवान कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूं, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। पर जब हम ये तिलक लगाते हैं, देखना ये तिलक क्या क्या है, तिलक लगाते हैं ओम केशवाय नमः, ये जो स्थान है हमने यहाँ भगवान केशव को आह्वान करके बिठा दिया है, तुलसी देके विराजमान कर दिया है कि हे केशव ललाट पे बैठ के आप यहाँ से मेरी रक्षा करो, कंठ में गोविंद, उदर पे कौन, नारायण, वक्ष पे माधव, विष्णुवे नमः, ऐसे करके हम 12 जगह भगवान को स्थापित करते हैं। अब भगवान और ये शरीर क्या हो गया, जहां भगवान विराजमान हो जाए वो शरीर एक मंदिर हो गया, ऐसा है। ये तक कह रखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के माथे पे तिलक के दर्शन कर लिए ना, समझना, खुद नहीं लगाया है अभी, किसी दूसरे के माथे पे तिलक के दर्शन कर लिए हैं तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं, तो जो खुद लगाएगा उसको क्या मिलेगा। हमारी हरे कृष्ण, देखो मेरे, मैं रसिया गया था, देखो सही घटना, मैं रसिया प्रचार करने जाता हूँ, एक माता जी के घर में गया था, वो बहुत पैसा वाली थी, उसने बोली बाबा मेरे को रात में भूत पिशाच दिखते हैं, मेरे को रात में नींद नहीं आती, वो शादी शुदा, बोले पेट में बच्चा नहीं टिकता ही मेरे, मैंने बहुत कुछ कर लिया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं टिक रहा है पेट में, मेरे को भूत पिशाच दिखते हैं, उसको आँख लाल लाल बनी रहती थी, बोले बहुत मैंने कुछ कर दिया, जब मैंने गया मैंने कहा ये मंत्र जब करती हो, ये तिलक लगाती हो और तिलक लगा कर फिर हम स्थापना करते हैं, जैसे प्रभु बता रहे थे ना, ललाट के सवाय नो उदर नारायण भक्के माधव कंठे गोविंद दक्षिण विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम, बोले तुम इसको करते, बोले नहीं करता हूँ, बोले ये तिलक नहीं रखा कवच है, जैसे कर्ण का शरीर में जब तक कवच रहेगा उसको कोई मार नहीं सकते, तुम ये काम तो करो। उसने एक दिन किया तो दूसरे दिन भूत पिशाच खत्म। मैं जब दूसरे साल में गया उसको पेट में बच्चा आया, बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लिया, फिर मैंने उसका नाम रखा राधा कांत, उसका राधा कांत नाम, अभी बच्चा बड़ा हो गया, 10 साल का बच्चा बड़ा हो गया। देखो ये तिलक की इतनी शक्ति है, इसलिए देखो भगवान कृष्ण को देखो तिलक है, भगवान राम को देखो तिलक है, नारायण को देखो तिलक है, हनुमान जी को देखो तिलक है, गणेश जी को देखो तिलक, भगवान खुद भी तिलक लगाते हैं, समझ रहे हो। देखो और एक घटना सुनाता हूँ, ये नोएडा में मैं कथा करता हूँ, उसकी माँ मेरे से हरिनाम ली है, उसने उसका जो 2 साल की बच्ची थी वो 6 थी 6वीं मंजिल में रहती थी, उसने तिलक लगा दी, अपना बच्चे को भी तिलक लगा दी, इतने में 6 साल का बच्चा वो बालकोनी में झांक रही थी, झांकते झांकते ऐसे हुई वहाँ से गिरी, 6 मंजिल से उसने गिरी, लेकिन पूरा शरीर में तिलक लगा हुई थी, वो इतने मंजिल से गिरी लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अभी वो लड़की है, अभी 5 साल की वो लड़की हो गई, वो 2 साल में गिरी थी, ये तिलक की इतने महत्व है। इसलिए जैसे आप लोग मांग भरती है ना, सिंदूर लगाती हो, ये जगत का पति के लिए तो इतना कर रहे हो, ये पति कब से है, शादी से पहले कोई मतलब था, बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होकर चले गए कुछ दिन बाद में फिर मांग में मिट जाती है, जब इसी के लिए हम इतने मांग भर लेते हो, मंगलसूत्र पहन लेते हो, फिर जो असली पति तुम्हारी जन्म जन्मांतर से, फिर उसके लिए कुछ करनी चाहिए कि नहीं। कोई कोई कहते हैं ना, दुनिया को दिखाना थोड़ी है, गले में कट्ठी पहन लिया, तिलक लगा लिए, अगर जैसे तुम्हारी पति है, अगर तुम मांग को मिटा लो, मंगलसूत्र निकाल लो, सफ़ेद साड़ी पहन लो, विधवा बन करके पति को सामने चले जाओ, बताओ तुम्हें पति स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो बोलो, बोलेगा मैं जिंदा रहते रहते तुमने मार डाली मेरे को, हैं। जब ये जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है, और जो असली पति जो जन्म जन्मा करके वो तुम्हें कभी स्वीकार करेंगे, इसलिए जिनसी ललाट में तिलक नहीं, जिसकी गला में कंठी नहीं, जितने ठाकुर को पूजा कर लो, मैं तेरे तेरे ठाकुर तुमको लात मार कर निकाल देंगे, बोले तेरे से मेरे कोई मतलब नहीं है, क्या लक्षण है तुम्हारी, तू जो मेरे बोल रहे हो क्या चिन्ह तुम्हारी अंदर में, दुनिया पति के लिए तुमने महान मंगलसूत्र भर लिया, मेरे लिए तुमने क्या किए हो, एकदम स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं तो संत क्यों तिलक लगाते हैं, गले में कंठी क्यों पहनते हैं, अगर ठाकुर जी हो मेरा मेरा कहना चाहते हो, ठाकुर मेरे को स्वीकार करे, क्या करो, जरूर तिलक लगाओ,
जरूर गले में कंठी पहनो, ऐसे नहीं मैं आ गया तो मेरे को दिखाने के लिए तिलक लगा दिया, नहीं, मैं जाने के बाद में भी गले में कंठी और तिलक जरूर धारण करो। भाई प्रभु जी कंठी के बारे में कुछ बोलेंगे? ये गले में हमने कंठी पहनी है, क्या है ये? कौन सी है? तुलसी माला। कौन सी माला? तुलसी माला। यहाँ पे तुलसी माला कम है, सोने की माला ज्यादा है, अब समझ में। जब कलियुग आ रहा था ना, जब कलियुग आ रहा था ना, जब कलियुग प्रारंभ हो रहा था, तो परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, उन्होंने पूरी पृथ्वी का राज्य था, तब कलियुग को कहां कहां स्थान दिया? दिया सोने में नहीं दिया। तो हम कलियुग पहन के घूम रही हैं। कलियुग का मतलब क्या है? कलह का युग। कलह, कलह किसे कहते हैं? कलेश। ये शब्द सुन रखा है? सुन क्या रखा है? महसूस कर रखा है? किस घर में कलेश नहीं है? किस घर में कलेश नहीं है? आपके घर में कलेश नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है ना? बहुत सुंदर घर है, पर फिर भी एक ही हाथ उठा। और कौन सा घर है? जिस घर में कंठी तुलसी ठाकुर भजन पहुंच गया, वहां से कलेश अपने आप बाहर निकल जाएगा। समझना, हमने ये तुलसी माला पहन रखी है। तुलसी माला क्या करती है? पवित्र अपवित्र को भी पवित्र करने वाली है। एक कथा सुनना। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, बहुत साल पहले केस चले गए, तो वहां पे पास में एक गांव था, वहां के कुछ घर वालों को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कंठी पहन रखी थी, आंगन में तुलसी जी का पौधा था, और लेपाई गोबर की कर रखी थी, गाय के गोबर की। और आज ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास आई, उसमें बताया कि साइंटिस्ट अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज पे भी रिसर्च करी कि ये क्या है इससे। तो उन्होंने एक चीज ये देखा, एनर्जी स्केल होता है, हमारी ऑरा होती है, एनर्जी होता है, हर किसी के अपने आसपास एक एनर्जी की ऑरा होती है। तो जो व्यक्ति इसको धारण कर लेता है ना, उसकी एनर्जी की ऑरा बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं घुस सकती। समझ लो, आज की डेट में हम अपने आप को किससे बचा रहे हैं? टेंशन डिप्रेशन से बचा रहे हैं ना। कभी कभी होता है कि पड़ोसन आके बैठ के गई 5 मिनट के लिए और 5 दिन के लिए दिमाग खराब कर गई। होता है, नहीं होता है? देखो पीछे मुड़ के देख रही है माता जी, किसकी तरफ देख रहे थे? समझना, ये क्यों होता है? अरे भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया, वो आके अपनी उल्टी कर गई आपके ऊपर, और आपने ली नहीं पर वो चढ़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास एनर्जी की कमी है। तो ये तिलक और ये कंठी जैसी हम पहनते हैं ना, हम चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं ना, तो एक समझना, हमारे अंदर एक क्या है, हम हर समय क्या करते हैं, आशा। आपको आशा है ना कि आपका पति आपको हमेशा प्यार करेगा, ये आशा से माँ अपने बच्चों को पालती है कि बच्चा अच्छा निकलेगा, यही बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि ये लाठियां कितनों के सर फोड़ रही हैं, ये लाठियां कितनों के सर फोड़ रही हैं, पर फिर भी हम इसी आशा से लगे हुए हैं कि मेरी लाठी सही होगी, ये सर नहीं फोड़ेगी, ये हाथ में रहेगी, पर हाथ में रहेगी नहीं, सर पे ही आएगी। तो ऐसी आशा से भी अगर आप ये पहन लोगे ना कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, देखो इतना सारा भोग लगा है, रखा हुआ है, अभी ये इसमें क्या डालेंगे तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को? क्या? यही तुलसी हमने अपने आप में डाल ली कि ठाकुर जी ये शरीर आपने दिया, अब इसको मैं क्या लगा रही हूं, आपको ही भोग लगा रही हूं। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे इस अन्न में से सारा पाप निकाल लेते हैं ना, फिर हम क्या खाते हैं, हम प्रसाद खाते हैं। ऐसे ही भगवान इस शरीर के अंदर आत्मा है, समझना, हमने आत्मा को कंठी नहीं डाल पाओगे, अभी डाल पाओगे? अभी तो दिख ही नहीं रही। तो हमने इस शरीर पे डाल ली है, और ये कंठी देखो शरीर पे कार्य नहीं कर रही, ये आत्मा पे कार्य कर रही है। ये तिलक शरीर पे तो लगाया, पर कार्य कहाँ कर रहा है? आत्मा पर, जो मैं हूं। तो क्या कर रहे हैं, भगवान ने उस आत्मा के पूर्व पूर्व जन्मों के पाप खींच लेती है। और एक चीज पता क्या है,
बुरी शक्तियां दूर से पहचान लेते कि इसके पास नहीं जाना। तिलक लगाया, कंठी लगाया, अरे यमदूतों को यमराज ने एक चेतावनी दे रखी है कि उसके पास तो भूल के भी मत चले जाना जिसके माथे पे क्या हो, तिलक, जिसके शरीर पे तिलक हो और गले में कंठी हो, मुख में भगवान का नाम हो। अगर तुमने गलती से भी उसको हाथ लगाया ना तो यमदूत तुम भस्म हो जाओगे। बताओ, इतनी पावर आ गई यही लगाने से कि यमदूत भस्म होने वाले। तो ये सोचो कि ये भक्ति कितनी देगी। हमारी जो असली, जो हमारा असली, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हम उस चीज को ले पाएंगे। किस किसने कंठी नहीं पहनी, इतने लोगों ने नहीं पहनी, और कौन कौन अब पहनना चाहता है? हाथ कम हो गए क्या, हो गया कि परहेज ज्यादा है? अरे एक चीज को तो खुद माता जी और बहनें एक बात सुनो, कई चीजें ऐसी थी जो मायके में नहीं करते थे और पति की वजह से जबरदस्ती करनी पड़ रही है। तो अब एक इस पति के लिए, ये पति कब का है आपका? करोड़ों करोड़ों जन्मों से है, था, है और रहेगा, समझना इस बात को। तो ऐसे पति को अगर हमने वर लिया, अगर ऐसे पति के सेवा में हम लग गए तो सोचो हमारा कल्याण होगा नहीं होगा। वो ये पति हमारे इस पति, इस जन्म के पति की भी रक्षा करेंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैं, मेरे पिताजी गांव से हैं, मैं कभी उस गांव में नहीं रहा। एक गांव का नाम है घेवरा गांव, ये मुंडका कंझावला भादुरगढ़ हरियाणा की तरफ पड़ता है। हमारे गांव की एक दीदी ब्याही गई, कहां पे, बवाना में। कहां पे ब्याही गई, बवाना में। उनके साथ क्या हुआ कि उनके हस्बैंड का ग्रुप किसी मर्डर केस में फंस गया, तो वो सरकारी गवाह बन गए। वो सरकारी गवाह बन गए और जैसी सरकारी गवाह बन गए ना, अपने भाइयों ने भी बात करना छोड़ दिया कि कहीं इसके चक्कर में हमारे घर पे, हमारे पे कोई बंदूक ना मार दे, हमें कोई चक्कू ना मार दे। तो कुछ दिनों के बाद जब केस रफा दफा हो गया, तब आके दीदी को कहते हैं कि पता है एक चीज, मैं तेरे से बड़े शर्मिंदा होके बोल रहा हूं पर माननी पड़ेगी कि ये जो है ना, ये जो तू लगाती है इसमें कुछ पावर है, और ये जो तू बोलती है, क्या बोलती है, हरे कृष्ण महामंत्र। कहते मैं क्या करता था, चुपके से जब भी कोर्ट गया हूं ना, ये तिलक लगा के गया और मुंह से कॉन्टिन्यूसली ये हरि नाम बोलता गया। क्यों? क्योंकि मेरी जान को भी तो खतरा है, जिनके खिलाफ गवाही दे रहा हूं वो कभी भी मार सकते हैं। कहते हैं और देख आज बाइजत बरी हो गया है, सारा केस रफा दफा हो गया, तो इसकी शक्ति मैं मान गया। वो दीदी और खुश हो गई, कहते ठीक है, देखा अब पता चला, अब आइंदा से मुझे रोकना मत। तो कहते ठीक है भाई, मैं करूं ना करूं पर इतना मैं समझ गया कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी, जो तिलक लगाएगा, कंठी पहनेगा, हरि नाम करेगा, भूल से भी उसका मजाक मत उड़ाना, समझना इस बात को। खुद नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, पर भूल से भी उस व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। मैं एक घटना और बता देता हूँ, उसके बाद विराम। देखो एक घटना मैं भी सुनाता हूँ। एक नाम बागपत के पास में, बड़ो तो नाम सुने होंगे, बड़ो, वहां पर मेरा एक शिष्य है, वो सीए है, लेकिन वो थोड़ी ऊंचा सीए है। उसका अध्ययन में 10-15 लड़के काम करते हैं, लेकिन उसको ऊपर में भी एक बहुत बड़े सीए हैं। अभी क्या हुआ, वो शिष्य, हमारे जो शिष्य, ये गले में कंठी पहनता था, तिलक लगाता था, लेकिन कभी कभी तिलक नहीं लगा लेता था, क्योंकि वो बड़ा सीए था। वो सोचता था भैया सारा दुनिया लोग मेरे पास में आते हैं, अगर ये तिलक देख करके कि बाबा बन गया, इसलिए कभी कभी शर्म से नहीं लगाया करता था। लेकिन एक हमारे एक बड़े गुरु जी के शिष्य थे, वो टोकते थे, बोले तुमने तिलक नहीं लगाई, तुमने आज क्यों तिलक नहीं लगाई। फिर इसने ऐसे करते करते फिर तिलक लगाना शुरू कर दिया। अभी वो जो सीए का काम करता था, अभी उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, पेपर में कुछ गड़बड़ी हो गया। जो बड़ा सीए वाला था उसने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, तुम्हारी कुछ गड़बड़ी हुई कागज में। जब बुलाया उसने, वो सवेरे सवेरे ऐसे तिलक लगाया था, उसको ललाट में अच्छी तिलक दिख रही थी, उसकी गले में तुलसी की कंठी थी। अभी वो पहुंच गया सवेरे सवेरे, जो बड़ा सीए था, जो उसने उसके घर में प्रवेश करते ही जब उसने देखा उसकी ललाट में तिलक लगाया हुआ और गले में तुलसी की कंठी पहना हुआ देख लिया ना, उसको देख करके इतनी खुश हो गया। वो भी हिंदू था,
लेकिन वो बड़ा सीए था, वो देख करके इतने खुश हो गया, बोले भैया तू जा तू जा, कुछ कोई जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले जो गले में तुलसी कंठी और तिलक लगाया, ये कभी जानबूझकर कभी गड़बड़ी का पेपर में नहीं किया होगा, कभी जानबूझकर किया नहीं होगा। उसने कहा भैया उसी दिन से मेरे को इतने विश्वास हो गया, मैंने इतने गलती कर दी, लेकिन ये मेरे जो बड़े सीए था ऑफिसर, लेकिन गले में कंठी तिलक देख करके माफ कर दिया। ये आदमी धार्मिक आदमी कुछ नहीं कर सकता। देखो फरीदाबाद में सेक्टर 3 में हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो जब जाता है अपना डॉक्टरी करने के लिए, वो गले में कंठी तिलक पहन करके जाता है, बैठता है अपना डॉक्टरी करता है। आप सोच नहीं सकते इतने लोग उसका भीड़ होते हैं, आसपास में भी डॉक्टरी है, लेकिन वो मक्खी मारते रहते, कोई नहीं जाता है। लेकिन इसकी इतने लोग क्यों गले में कंठी तिलक पहना है ना, उनको विश्वास है ये आदमी कभी हमसे धोखा नहीं करेगा, ये भगत आदमी सचमुच से कभी धोखा नहीं देता है। अभी आपको पता होगा किसी डॉक्टर के पास में जाओ ना, छोटी रोगी होगी बड़ा रोग बना देगा, और उसका कनेक्शन है उसी डॉक्टर हजार लाख रुपया तुम्हारे लूट लेंगे। लेकिन वो कभी ऐसे कभी नहीं करता, क्यों कि गुरु जी की शिष्य है, सही बीमारी बताएगा, कम से कम पैसा में जैसे तुम्हारी बीमारी सही हो जाए वो उसका परामर्श देते हैं। इतने भीड़ होता जो सोच नहीं सकते, समझ रहे हो? अगर गले में कंठी तिलक रहेगा ना, सब लोग तुमको देख करके समझेंगे भैया ये भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति, ठाकुर जी का भजन करता है, हैं? इसलिए ये जो कंठी कोई साधारण वस्तु नहीं, ये कंठी साक्षात तुलसी है। अब तो हिंदू है, तुलसी कौन है? लक्ष्मी है। देखना नारायण को साथ में लक्ष्मी की शादी होती है, अगर गले में तुलसी कंठी तो क्या हो गया, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई, घर में लक्ष्मी भी आएगी तुम्हारी, क्यों गले में तुम्हारी लक्ष्मी बैठी है। और भगवान जब दुनिया छोड़ कर गए तुलसी में रख कर गए, तुलसी में स्वयं कृष्ण है, हैं? इसलिए गले में कंठी मतलब क्या है, देखो हम इसको कंठे में क्यों पहनते हैं, जो कोई बोली बोलेंगे शुद्ध निकलेगा, कोई चीज खाएंगे इसको टच करते हुए अंदर में जाएगा, पवित्र बन करके जाएगा। इसलिए शरीर का जो सबसे कोमल अंग कंठ है, जब शरीर में कोई गंदी चीज प्रवेश करती कंठ से, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो, गले में पहनाते हो। और ये तुलसी में क्या है, जितने सारे बीमारी की जो मेडिसिन इसमें सारे मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी की पौधा से तुलसी की जूस से सही नहीं होता है, बहुत सारे मेडिसिन तुलसी वृक्ष में। अगर गले में कंठी होगा ना, मेडिसिन लक्ष्मी नारायण सब तुम्हारी गले में निवास, कोई भी गंदी चीज आएगा तो अंदर में प्रवेश नहीं करेगी, तुम्हें ये रक्षा करेगी। तुलसी को लकड़ी मत समझा करो। इसलिए मैंने परसों बताया था ना, जब महाराज दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भजन करता है मेरे को पास में मत लाना, बोले पहचानेंगे कैसे, उन्होंने क्या बताया, दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये किसी घर के कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारेगा नहीं और फालतू को कोई छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पालतू होनी चाहिए। अगर ठाकुर जी की पालतू बनना चाहते हो, क्या कर गले में कंठी पहनो, घर घर में हरि कीर्तन हो, घर घर में भजन हो। और पहला गुरु पिता माता, पहले संस्कार पिता माता से ही संस्कार पड़ेगा। अगर आप भक्ति करोगे भजन करोगे, बच्चे भी अच्छी संस्कार बनेंगे, सवेरे उठ करके तुम्हारी चरण छुएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी आदर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज तो कुछ भक्त लोग पालतू बनकर गए, आज कुछ भक्त लोग सवेरे आए थे माला लेकर गए, अपना बच्चों के लिए भी माला लेकर गए। देखो हम कुछ भक्तों के घर में गए, उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, प्रभु जी को भी बुलाया, हमने उनके बच्चों को बैठा कर समझाया प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, क्यों हरि नाम करनी चाहिए, भक्ति बच्चों ने समझे, बोले हम माला करेंगे। इसलिए क्या करना, कम से कम हम लोगों को बुलाना घर में। आप ये मत समझो नहीं घर में बुलाएगा तो कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ प्रणाम ही देना पड़ेगा। देखो आपको पैसा लेने हम नहीं जाते हैं, हम तो जाते हैं तुम्हारी कैसे कल्याण हो, तुम्हारी बच्चों का कैसे कल्याण हो। हम कोशिश करते हैं तुम्हारी घर को भगवान की धाम बना दे, तुम्हारी घर को वृंदावन बना दे,
जिस घर में बच्चे भक्ति भजन करे वो घर नहीं, वो भगवान की धाम है, ठाकुर जी की धाम बन जाते हैं। अगर बच्चे संस्कारी बनेंगे, पहले तो सुख पिता माता को देंगे। देखो हम एक घर में गए थे, हम बोल रहे थे, ये नोएडा की बात है, देखो सुनो ये नोएडा की बात। उसको पिता माता बहुत बड़े धनी थे, बहुत प्रॉपर्टी थी नोएडा में। उसने बच्चों को अमेरिका में भेजा लिखा पढ़ा सिखाने के लिए। बच्चे अमेरिका में लिखा पढ़ा सीखे, जब सीखे इतने लिखे पढ़े सीखे, बहुत पैसा कमाए। एक दिन दोनों बच्चे आए भारत में और पिता माता को बोले, देखो हम दोनों बच्चे अमेरिका में सेट हो गए, चलो तुम लोग बूढ़ा बूढ़ी जाकर क्या करोगे, चलो अमेरिका चलो, सारे प्रॉपर्टी बेच दो, सारे पैसा को लेकर के चलो। और उन्होंने बच्चे का बात सुन करके सारे प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दिया, सारे प्रॉपर्टी बेच दिए। बेच करके उन्होंने सारे प्रॉपर्टी का जो ना पैसा का अपना नाम पर कर दिए, बोले चलो अमेरिका चलो। उनको लेकर गए एयरपोर्ट में, बोले यहीं पर खड़े हो, हम ट्रली लेकर के आते हैं जिसमें सामान लेकर ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए, गए तो गए, आधा घंटा हो गया कोई खबर नहीं, एक घंटा हो गया कोई खबर नहीं, दो घंटा हो गया, तीन घंटा हो गया, आए नहीं, बोले गए कहाँ। फिर उसने फोन लगाया, देखा तो दोनों बच्चे सारी पैसा को लेकर के पिता माता को मेन रोड में छोड़ करके सारे पैसा लेकर भाग गए। अभी वो जा करके लास्ट में वो ओल्ड हाउस में जीवन बिता रहे। ऐसे नहीं, बच्चों को इतने लिखा पढ़ा मत सिखाओ जिससे बच्चे पिता माता की सेवा करना भूल जाए, समझ रहे हो। अगर हम बच्चे को अंदर में कोई संस्कार नहीं डालेंगे, बच्चे ऐसे ही बनेंगे। अगर उनका अंदर में अच्छी संस्कार डालेंगे फिर क्या करेंगे बच्चे, पहले तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, ये हमें जन्म दिया है, पहले पिता माता की सेवा करनी हमें चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना, भजन करो, बच्चों को बड़े संस्कार दो, बच्चों को बोलो स्कूल जाने से पहले एक एक माला करके जाए, हैं बच्चों को बोले एक एक माला करके जाए, गीता पढ़े, थोड़ी रामायण पढ़े, बच्चे के अंदर में संस्कार आए और भगवान की भजन कर। क्या बोलना चाहते हैं, बोल दो। आज क्लास होगी जो बच्चों की हम कर रहे थे ना, आज होगी, तो सबसे निवेदन है कि छोड़ के जाएं उनको आधे पौने घंटे के लिए, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या हो गया, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बच्चे इनकी बात नहीं सुनते। देखो मैंने पहले बताया था ना, हमारे जो बड़े गुरुजी थे इनको पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरुजी बच्चा बात नहीं सुनते। गुरुजी ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, उसको तो यही दुर्दशा होगी। अगर रामायण पढ़ता, बच्चों को रामायण पढ़ाता, रामायण में लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके पिता माता की सेवा करते थे। अब रामायण देखे होंगे, दशरथ महाराज जब शयन करते हैं भगवान स्वयं पिताजी की चरण सेवा करते, पिताजी के चरण पलटते हैं, पिताजी के आदेश पालन करने के लिए 14 साल के लिए प्रभु वनवास गए ठाकुर जी, 14 साल के लिए। अपना बेटे को बोले एक दिन के लिए कहीं जा आदेश पालन करने के लिए, 14 दिन तो मनमानी घूमने चले जाएगा, लेकिन तुम्हारी आदेश के लिए एक दिन भी नहीं जाएगा, हैं। इसलिए अगर बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो बोलना, जाओ जा करके बैठो, थोड़ी सी ज्ञान की बात सुना, तुम्हारे भी कल्याण हो और हमारे भी कल्याण हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी हम श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री गिरिराज बाबा की, अरे कोई गिरिराज बाबा की जय नहीं दे रहे, तुम्हारी इष्ट गिरिराज बाबा है ना, हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय अरे किसको बच्चों को बनाया, कृष्ण बन गया, ओ इतना उच्च मटकी, देखो ये अभी बच्चे मटकी फोड़ेंगे मक्खन चोरी, थोड़ी सी इसको नीचे हट जाओगे, थोड़ी सी नहीं तो किसके सर पर गिर जाएगी, तो थोड़ी सी उसको नीचे थोड़ी सी अलग हो जाओ, माताएं थोड़ी थोड़ी पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ी थोड़ी पीछे पीछे हो जाओ, हाँ हरे कृष्णा। देखो जो व्यक्ति चाहते हैं हम हरिनाम करेंगे, इधर सुना, जो व्यक्ति चाहते हो हरिनाम करेंगे और पालतू बनेंगे,
कल सवेरे आ जाना, ठीक है? कल सवेरे सुनीता जी के घर में 7-8-9 बजे आ जाना, ठीक है? और जो कंठी तभी तो देते हैं जब प्याज लहसुन नहीं खाओगे। अगर बोलोगे नहीं धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर आपको हम नीम की माला देते हैं, बोले उसमें हरिनाम करते रहो, धीरे धीरे जब छूट जाएगी फिर तुलसी की माला लेकर के भजन करना, ठीक है? थोड़ी सी हट जाओ यहाँ से, अभी बच्चे बन गए ना, क्या 10 मिनट तैयारी करो, मैं 10 मिनट कथा सुना देता हूँ। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। देखो कृष्णा भी बचपन में ब्रज गोपियों के घर घर में जाकर के प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। एक दिन कृष्ण किसी गोपी को घर में पहुंचे मक्खन चोरी करने के लिए। ये गोपी ने क्या की थी, पहले से ही मटकी में मक्खन भर कर रख ली थी। तो आज जब कन्हैया आएंगे, आज कन्हैया को मैं पकड़ करके मैं पिलर में उसको बांध करके रखूंगी। क्यों? कृष्ण का दर्शन तो एक बार हो जाता है, लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं फिर विरह में दुखी हो जाते हैं। बोले कृष्ण को बांध करके रखूंगी ना, पास में बैठ करके खूब मन लगा कर कृष्ण को मैं निहारूंगी, कृष्ण को मैं दर्शन करूंगी। इतने में कृष्ण छुपके छुपके आए और मक्खन खाने लग गए। अभी गोपी ने कुछ बोली नहीं, जब उन्होंने मक्खन खा लिए इतने में गोपी जाकर झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे, आज घर में बांध करके रखूंगी। बोले गोपी मैं तो सोच रही थी अपना घर में चोरी कर रही थी। बोले अपना घर में चल, तेरे को मैं बांध कर रखूंगी। बोले खंभे के ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे, अपना चोटी से एक रेशम का रस्सी को निकाली। जब कृष्ण को बांधने के लिए गई ना, भगवान का हाथ तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। हाँ, मक्खन से भी ज्यादा कोमल ठाकुर जी की हाथ, और किसी तरह से बांध ही नहीं पाए, खिसक जाए खिसक जाए। इतने में कृष्ण ने कहा, गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओगे दूसरों को कैसे बांधोगे? बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या। बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख खंभे के ऊपर हाथ रख। अच्छे बढ़िया से सिखाऊंगी। वो गोपी हाथ रखी, इतने में कृष्ण एक लपेट दो लपेट, एक गांठ दो गांठ और गुण गांठ अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, तेरी बात छोड़ दे, मैं तो अपना प्रेम से बड़े बड़े जोगी बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी को भी मैंने अपना प्रेम रज में बांध देती हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैं किसको खोलना सिखाई नहीं, मैं तो दुनिया को अपना प्रेम में बांधना ही सीखा, अभी तक तो मैंने खोलना सीखा नहीं। इतने में कृष्ण 9-2-11 कृष्ण हो गए। एक दिन कृष्ण किसी गोपी को घर में गए। वो गोपी रोज रोज शिकायत करे, तेरे लाला मक्खन चोरी करता है। मैया बोलती मेरे घर में क्या कमी है, मेरे घर में नल लाग गया है, मेरे घर में तो दूध दही की नदी बह रही है, अरे मेरे लाला तेरे घर में क्यों चोरी करने जाएगा? बोले नहीं जाती है। बोले नहीं तभी मानूंगी जब रंगे हाथ से पकड़ा कर दे, तभी मैं मानूंगी, नहीं तो मानूंगी नहीं। बोले ठीक है कल तेरे को मैं दिखाती हूँ। वो गोपी मटकी में दूध दही को रख करके कोड़े में छुप करके बैठी गई। जब कृष्ण मक्खन खा लिए इतने में गोपी झट पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे, चल मैया के पास में। मैया मानती नहीं, तुम मक्खन चोरी करते हो। कृष्ण ने कहा, देव गोपी आज आज आ गया, कल से और कभी नहीं आऊंगा। बोले नहीं चल। बोले तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरी ननद की तेरी सास की तेरी बहू की तेरी बिछुआ की आज छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ने वाली हूँ, चल मैया के पास में चल। इतने में कृष्ण को लेकर के आ रही थी, देखा सामने नंद बाबा बैठे हुए। नंद बाबा लगते जेठ, आपको पता होगा जेठ को सामने पहले कोई नहीं जाता था, अभी भी जेठ को सामने आप लोग को पर्दा कर दो। देखो आप लोग जो गुजरी ना बहुत अच्छी है, अभी आप लोग अपना संस्कार को रक्षा कर रहे हो, जेठ को पर्दा करती हो, ये हमारी अच्छी संस्कृति है। जब तक समझो ये चीज को तुम लोग रक्षा करोगे ना, तब तक हमारे घर में शांति सुख बनी रहेगी, शांति सुख बनी रहेगी, समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने देखा सामने कौन बैठे हुए है, श्री नंद बाबा सामने बैठे हुए है। श्री नंद बाबा जेठ लगते हैं, उनको देख कर उसने पर्दा कर दिया।
बोले स्त्री स्त्री में बात है, पीछे दरवाजा से घुमा करके दिखा दूंगी। लाला का सर के ऊपर में, कृष्ण के सर के ऊपर में भी कपड़े से ढक दी, लेकिन कृष्ण कौन? भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। भगवान मतलब क्या है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। उनने जब कपड़ा ढक दी ना, कृष्ण उसकी बेटा बन गए। और कृष्ण पीछे पीछे दरवाजा से लाई, बोले मैया जसोदे। बोले कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है। आज तो रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाई हूँ। लेकिन उसी समय मैया जसोदा कृष्ण को पलंग के ऊपर में थपथप लगा करके सुला रही थी। मैया बोली लाला तो मेरे घर में सोया पड़ा हुआ, वो किसको पकड़ करके लाई? मैया आकर के देखी, अपना बेटे को ही पकड़ करके लाई। बोले क्या बात है? बोले तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। बोले लगता ही भांग की गोला थोड़ा ज्यादा खा ली। अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है। बोले लाला सो रहा है कैसे? लाला को पकड़ करके लाई। बोले ये तो तेरे लाला, इतने में अपना पर्दा खोली है, घूंघट उतारी और बच्चे के ऊपर जो कपड़ा रखती थी ना, वो कपड़े को खोल करके देखती है अपनी बेटा। और इतने में कृष्णा अंदर में सो रहे थे, वो आंख को मलते 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 आई। बोले मैया देख लिया ये गोपी कितनी झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ। अगर ये झूठ बोलेगी ना, कल से इसके घर में जरूर जाया करूंगा। अभी वो गोपी सोच रही है भैया दरवाजा तक तो कृष्ण था, लेकिन ये दरवाजा में कपड़ा ढक दिया, बदल गया कैसे? ये बदल गया कैसे? वो गोपी बड़ी शर्मिंदा में पड़ गई। भैया डांट लगाई उसको, खबरदार कभी ऐसे नहीं करना। जब दुखी होकर के जा रही थी ना, कृष्ण दूसरे दरवाजा से आ गए। बोले क्यों गोपी, कहा बात है? मैंने तुम्हारे कितने पाँव पड़ा, तेरे खसम की, तेरे जेठ की, तेरी ननद की, तेरी सांस की तुमने सुनी नहीं? देखा आज तेरे बेटे को ही चोर बना दिया। अगर आइंदा में कभी मेरे को पकड़ करके लाओगे ना, तेरे खसम को चोर बना दूंगा। बोले कन्या में हार जीत गई। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। एक दिन मैया जसोदा बोली लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों मैया? मेरी शादी नहीं होगी, दुनिया में क्यों लिखाई पढ़ाई नौकरी चाकरी दुकान मकान क्यों करते हैं? क्यों करते हो? शादी के लिए ना। देखना जो कुछ हम घर में कर रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य है, घर में बहू आ जाए, घर में हमारी बहू आ जाए, घर में छोरी आ जाए। तो दुनिया शादी के लिए सब करते हैं, अब तू कहती है मेरी शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो। बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगी? लगता है तू कुंवारा का कुंवारा रह जाओगे, तेरी शादी वादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई, मेरे नाम तो बदनामी हो गई, भैया घर के घर में बहू नहीं आएगी और बहू के लिए सब काम कर रहे हैं। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूं, मैया को विश्वास हो जाए मैं मक्खन नहीं चोरी किया, फिर मेरी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं। बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, सुन मैया मोरी मैंने माखन खाए, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाए, सुन मैया मोरी देखो कृष्ण क्या उदाहरण देते हैं, मैया को क्या एग्जाम्पल दिया। मैया को विश्वास हो गया मेरे लाला मक्खन चोरी चोरी करता कैसे। बोले मैया ये बताओ, भोर भयो गई अन्न तो पाछे मधुबन मोय पटाए। बोले हाँ। बोले चार ही प्रहर बंसी बेटा भटको, सांझ पड़े घर आओ। बोले हाँ। बोले दिन भर गैया चराया, सांझ पड़े घर में आए,
और रात भर तेरे गोद में सोया थे कि नहीं? बोले हाँ सोया था। बोले बता फिर मैंने मक्खन कब चुनी? बोले मैं बालक बहन को छोटो। बोले मैया मैं इतने छोटो से बालक हूँ और मेरे हाथ इतने इतने छोटी छोटी और कहाँ मक्खन कहाँ रखते छिके के ऊपर में, बता मेरे हाथ कैसे पहुंचा? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले मैया ये सखा इतने दुष्ट है, इतने दुष्ट है, खूब तो मक्खन खाते हैं और मेरे मुंह में बरबस मुंह लपटायो, जोर करके मेरे मुंह में मक्खन लगा दिया और मेरे को चोर बना दिया और तू बड़ी जल्दी इनकी बात में आ जाती हो, हैं? बोले मैया लगता है मैं तेरे बच्चा है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर फेंक दिया था और तुम वहां से उठा करके तुमने मेरे को पालन कर रही हो तब भी तू ऐसे बोल रही हो। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो पानी पानी हो गया, इतने में मैया तो कन्या को गोद में भर दिया। बोले नहीं लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की, तुमने नहीं की। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाया। बोले मैया मैंने ही मक्खन खाया। इसलिए भगवान ऐसे ही प्रभु मक्खन चोरी करते थे। देखो प्रभु मक्खन चोरी क्यों करते थे, इसका क्या रहस्य है, ध्यान देकर सुनो। इसका नाम है मक्खन। मक्खन मतलब क्या? मक मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। भगवान किस चीज को चोरी करते हैं? जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं। बोले भैया किसकी हृदय में नहीं? बोले संतों के हृदय में। बोले संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ब्रजवासी ब्रज गोपियां। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले संत हृदय ना बनी का समाना, संत हृदय ना बनी का समाना, संत हृदय ना बनी का समाना, संत हृदय ना बनी का समाना। संत का हृदय ही मक्खन है। हाँ देखो आप लोग ने घर में कोई मक्खन बनाए हो? कौन कौन घर में मक्खन बनाए हाथ उठाओ तो। हाँ देखो एक अच्छे उदाहरण दिया। देखो मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है? जैसे मक्खन बनाना पहले क्या करो, दूध लाओ उसको गर्म करो। जमन किया है, बोले गुरु जी से जो मंत्र हम ग्रहण करते हैं, गुरु जी से जो ठाकुर का नाम लेते हैं, यही जमन है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर समोई। ब्रह्मा शंकर के बराबर हो जाओ अगर जीवन में कोई सदगुरु नहीं ग्रहण किया ना, कहते भवसागर से पार नहीं हो सकते। अपनी आप माला जप करोगे, अगर ठाकुर जी कभी कृपा करेंगे ना, कहाँ ले जाएंगे तुम्हें? किसी साधु को पास में ले जाएंगे, किसी साधु को पास में ले जाएंगे। जब वहां से मंत्र ग्रहण करोगे फिर जाकर के वो मंत्र भगवान तक पहुंचाएगा। अगर अपने आप करोगे ना, देखो उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कोई एक गोली है, अगर गोली को हाथ में लेकर किसको मारोगे, लगेगा तो है थोड़ी बहुत, लेकिन वही गोली को जो बंदूक में लगा करके मारोगे इस पार से उस पार हो जाएगा, प्राण ले लेगा। कहते उसी तरह जो ठाकुर जी का नाम अगर अपने आप जप करो कुछ ना कुछ फल देगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब कठोर तपस्या कर रहे थे, ठाकुर जी चंचल हो गए। लक्ष्मी बोले जाओ ना, कि छोटे बच्चे को क्यों दर्शन नहीं देते हो? बोले लक्ष्मी अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, जब तक कोई गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक मैं दर्शन नहीं देता हूँ। बोले आपकी इच्छा होने पर तो हो जाता है? बोले हाँ होता है। तब उन्होंने नारद जी को बुलाया, नारद जी को आदेश दिया, नारद जी जाकर के फिर मंत्र दिए, फिर ध्रुव जी को ठाकुर जी दर्शन देते हैं। इसलिए नियम है, कितना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दियो बताओ। इसलिए जीवन में हमें सदगुरु ग्रहण करनी चाहिए, गुरु के बगैर भगवत दर्शन। इस जमन मतलब क्या? गुरु। अभी गुरु जी से हरि नाम ग्रहण किए, उसको बाद में क्या करो? बोले मंथन करो। बोले मंथन मतलब क्या? इसने गुरु जी से माला ले लिया और माला जहां था लटक रहा है, 10 दिन हो गया माला से हाथ नहीं लगा। बोले नहीं, देखो ध्यान देकर सुनो,
जब गुरु जी से हमने माला ली है, वो माला नहीं, वो स्वयं ठाकुर जी हमारे पास में आए। कौन आए? कौन आए माला रूप में? भगवान आए। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते, देखो जैसे माला, अगर एक दिन तुमने माला नहीं जप की, इसका मतलब क्या है? आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए। अगर एक दिन अगर माला जप नहीं किया तो क्यों? भगवान कलियुग में नाम रूप में ही ठाकुर जी कलियुग में आए हैं। इसलिए रोज रोज नियम करके कुछ कुछ माला करनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए यही मंथन है। अभी मंथन किया, फिर क्या निकलेगा? एक तरफ में मक्खन और एक तरफ में छाछ। बोले भैया मक्खन किया, बोले प्रेम। जब प्रमुख नाम को हम मंथन करेंगे, फिर साक्षात कृष्ण दर्शन मिलेगा। जब कृष्ण दर्शन मिलेगा ना, फिर क्या होगा? जैसे कोई कमल का फूल खिलने पर जैसे मधुमक्खी अपने आप आकर के मंडराने लग जाती है, उसी तरह जब हम भगवान के नाम करेंगे, बोले नाम के बाद खींच आएंगे, आखिर एक दिन श्याम और हरि से बड़ा हरि का नाम, ठाकुर का नाम लेंगे, तो एक दिन भगवान स्वयं आकर के हमें दर्शन प्रदान करेंगे। इसलिए ये मक्खन चोरी का तात्पर्य है। अभी बच्चे लोग आएंगे, तैयारी है बच्चे? हरि बोल, तैयारी हो गए? हाँ बच्चों को ले आओ, प्रभु जी के भजन सुनाएंगे। हाँ इसको नीचे, सबके सब इसको नीचे हट जाओ, बच्चे आकर मक्खन ये मटकी फोड़ेंगे। बच्चे लोग बोलो, माखन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राम। सखी रात सपने में आए, अरे भैया पी गए हमारे, भैया पी गए, भैया पी गए, I'm gonna make you mine।
कुल जी हो।